أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم welcome to the last class of mobile application development using Flutter. This class is going to be extreme important for you people because इस class के बरअक्स जिस तरह हमने आपको बताया था समझाया था कि we will be starting with such things in such a way कि हम आज DevOps को मैक्सिमम एक्सप्लोर करेंगे एंड कुछ ऐसी चीज़ें जो कि ऑब्वियसली आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने के लिए जा रही है उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इन द क्लास. तो बट बिफोर वी स्टार्ट विद द क्लास आई हैव ऑलरेडी अनाउंस दैट देर आर फ्यू मेजर कैंडिडेट्स हु आर एक्चुअली कमिंग फॉर दिस पर्टिकुलर क्लास ताकि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझा सके और आप लोग अल्टीमेटली इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी जो कि बहुत ज़्यादा कटिंग एज टेक्नोलॉजी है फ्लटर इज समथिंग के आप लोग जानते हैं यकीनी तौर पे हम ऑलरेडी आपको समझा भी चुके हैं बता भी चुके हैं इस द मोस्ट डिमांडेड टेक्नोलॉजी अराउंड द वर्ल्ड एंड अल्हम्दुलिल्लाह आप में से बेशुमार लोग जो है वो इस टेक्नोलॉजी से अवेयरनेस रख चुके हैं and you have come to this point ultimately that you people are now capable enough that you can actually build your application. We have already done with the front side of the Flutter app development, we have done with the mobile app development. Is pure course mein we started you remember that from we started from HTML CSS then we went to the dot then we went for Flutter uske baad jo hai humne back end technology फ्लटर और डार्ट के लिए सर बिलाल प्लेड द वाइटर रोल वो भी आज हमारे दरमियान में मौजूद है ही विल बी टॉकिंग टू यू पीपल फॉर ऑब्वियसली द गुड बाय नोट द जर्नी वी स्टार्टेड सिक्स मंथ अगो इज़ अबाउट टू एंड एंड ऑब्वियसली यकीनी तौर पे आज आपने देख लिया होगा आई एम अबाउट टू अनाउंस सम बिग एंड द मोस्ट वर्सेटाइल अनाउंसमेंट विच इज़ गोइंग टू बी यूजफुल फॉर द पीपल अराउंड यू. आपको चाहिए ये कि जो जवान पाकिस्तान जो कि बिल्डिंग नेशन बिल्डिंग इनिशिएटिव है आप उसको सपोर्ट करें एंड आई पर्सनली नो दिस थिंग दैट यू पीपल आर देयर टू सपोर्ट दिस इनिशिएटिव इन ऑर्डर टू चेंज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान. लेट्स नॉट वेस्ट फर्दर टाइम. बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्लास के एंड में मैं आपको बताऊँगा रिगार्डिंग द हैकाथॉन रिगार्डिंग फ्यू पर्सपेक्टिव जो कि आपके अक्सर और बेशतर सवाल रहते हैं उसके बारे में हम यकीनी तौर पे डिस्कस करेंगे. बट आज की क्लास में जैसा मैंने आपको बताया था द सम ऑफ द पीपल हु आर जॉइनिंग द क्लास टुडे आर द पीपल हु आर प्रोबेबली वी वुड लाइक टू से के दे आर द किंग ऑफ द मार्केट और आज डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव में जिस तरह ये लोग काम कर रहे हैं सर यूसुफ कुतुबुद्दीन इज विद अस एट दिस मोमेंट इन दिस स्टूडियो to provide you the DevOps based education. Ishaq Hassan is with us at this moment. Sir Umair bhi hamare saath hai, wo bhi aap logo ko goodbye note denge aaj ke din. Jafar bhai is also the part of Jawan Pakistan. Wo bhi yakini taur pe aap logo se baat karenge. So all these teams are there. But let's talk regarding some productivity. Let's talk something regarding what is going to be important for you people in terms of लर्निंग बिकॉज यू नो वन थिंग के वेन एवर वी आर कनेक्टेड विद यू पीपल हम आपके बारे में आपके लिए कोई ना कोई आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी इमर्ज आपकी आपके जो कैरियर को पॉलिश करने के लिए हमने कहीं ना कहीं कोशिश की है. सो आज DevOps का टॉपिक हमारे साथ सर यूसुफ कुतुबुद्दीन मौजूद है. ही इज़ द डिप्टी इन चार्ज ऑफ मिकाइल software company. He has been doing so much of effort in terms of emerging the people of Pakistan. आज तक हजारों शायद नहीं but लाखों लोगों को जो है IT education में train कर चुके हैं. He is the mentor of myself as well और हमारे दरमियान में जितने लोग भी बैठे हुए हैं मेरे शायद मेरा कोई सगा भाई नहीं है बट मेरा यूसुफ भाई के साथ वो रिलेशन है कि ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर हिम और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इस रिश्ते को बरकरार रखे एंड
So let's not waste the further time and call Sir Yusuf Qutbuddin, who is the gem of Pakistan, the one who is the most updated one with the technology, जो कि सपोर्ट और हेल्प के लिए हमेशा मौजूद होते हैं और हमेशा लोगों की फलाह बहबूद के लिए भी हाजिर होते हैं. तो वी वेलकम यूसुफ भाई टू द सेशन ऑफ जवान पाकिस्तान. यूसुफ भाई, मैंने फुल स्क्रीन किया हुआ है, आप आगे कुछ बात करें फिर स्क्रीन को शेयर कर दीजिएगा. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दी स्पेसिफिक टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लाइक डेवऑप्स। डेवऑप्स एक्चुअली है क्या? ठीक है, तो डेवऑप्स से रिलेटेड अगर मैं आपको बताऊँ कुछ, तो सिंपल से अल्फाजों में कि अभी हम लोग जो करते हैं उसमें होता क्या है। आपके पास, आप डेवलपर हैं एज अ, और आप एज अ डेवलपर कोई एक एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, और उसके बाद क्या होता है। उसके बाद ये होता है कि आप किसी ऑपरेशनल बंदे को आप अपनी एप्लीकेशन देते हैं और वो उसको डिप्लॉय करता है। ठीक है, सिंपल अल्फाजों में चलते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि डेवऑप्स एक छोटा सा टॉपिक नहीं है कि मैं इसको कोशिश कर समराइज कर दूं कि 1.5 आवर्स के सेशन के अंदर। बट मैं कोशिश करूंगा जितना मैं कर सकता हूं मैं अपना आपको बता दूं, ताकि आपको नॉलेज आ जाए और आप खुद से इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर सकें। ठीक है, अच्छा, तो डेवऑप्स के अंदर दो चीज़ें हैं, डेवलपमेंट्स एंड ऑपरेशंस। ऑपरेशन से मुराद क्या है अभी हम डिस्कस करते हैं। डेवलप से जिस तरीके से मैंने अभी कहा कि आप एज अ डेवलपर हैं, आप कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, और इस एप्लीकेशन डेवलप, लेट से हमने एक सर्वर डेवलप किया, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा नोड जेएस वगैरह पे, आपने सर्वर डेवलप किया। उसके बाद आप क्या करते हैं, उसको कहीं ना कहीं हम डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय करने के लिए या तो आप किसी ऐसे बंदे को देंगे जिसके पास सर्वर का एक्सेस वगैरह हो, और फिर आप उसको देंगे, वो डिप्लॉय करेगा, एंड फिर आप उसको टेस्ट करेंगे या किसी के साथ शेयर करेंगे। अब मुझे आप थोड़ा सा ये बताएं कि इसमें डिपेंडेंसी आ रही है। आपने रात को एक बिल्ड बनाई, कोई बग आया था, आपने उसको फिक्स किया, बिल्ड बनाई, फिर आपको किसी ऑपरेशंस के बंदे को कहना पड़ेगा कि भाई ये मैंने बिल्ड बना दी, इसको डिप्लॉय करो। तो ये अगर आप गौर से देखें तो ये एक साइकिल चलता रहेगा। हो सकता है वो उस वक्त बिजी हो, तो फिर किसी और वक्त पे डिप्लॉय होगा, और डिप्लॉय होने के बाद फिर वापस आप उसको यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अगर आपने एक टर्म सुनी हो, CI/CD, व्हाट इज CI/CD? CI/CD के अंदर होता क्या है? CI/CD जो है वो एक आपके पास प्रोसेस है, लाइक अ कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डेवलपमेंट। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन से मतलब, सॉरी, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन से मतलब कि आपके पास एक साइकिल चल रहा होता है, जिस तरीके से आप कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो पहले आप उसको बिल्ड करते हैं, उसके बाद वो टेस्ट के लिए जाता है, टेस्ट में कंप्लीट होता है, QA अगर उसको टेस्ट करता है, उसके बाद वो डिप्लॉयमेंट के लिए जाता है। तो ये एक साइकिल है पूरा। तो इस साइकिल को हम कहते हैं CI/CD, यानी आप डेवलपमेंट करते हैं, किसी एप्लीकेशन को डेवलप किया और उसके बाद उसको डिप्लॉय करते हैं। तो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, यानी आपको किसी की, यहाँ पे बीच में किसी की ज़रूरत नहीं है। किस तरीके से होता है वो हम देखेंगे। लेट से अभी हम एक एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं अपना कोड राइट करता हूँ, कोई एप्लीकेशन डेवलप करता हूँ, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसको गिटहब पे पुश करता हूँ। ठीक है, तो एक आप देखें तो ये एक साइकिल है। जब भी आप काम करते हैं, कंप्लीट करते हैं और गिटहब पे पुश करते हैं, इसका मतलब आपके पास जो पुश हुआ हुआ कोड है वो गिटहब के ऊपर मौजूद है। प्लेटफॉर्म कोई भी हो सकता है, अभी मैं गिटहब कह रहा हूँ क्योंकि गिटहब हम लोग ज़्यादातर यूज़ कर चुके हैं, हमारे रेपोज वगैरह गिटहब पे मौजूद है। इसलिए वैसे तो हमारे पास गिटलैब भी मौजूद है और बहुत सारे दूसरे भी मौजूद हैं। ठीक है, बिटबकेट भी है, तो इस तरह और भी बहुत सारे। गिटहब की बात करूँ तो एक्चुअली होता है कि आपने अपनी एप्लीकेशन डेवलप की, आपका कोई एक माइलस्टोन अचीव हुआ, लेट से आपने ऑथेंटिकेशन का काम किया, कंप्लीट हुआ, आपने गिट पे पुश कर दिया कि भाई ये मेरा ऑथेंटिकेशन का काम कंप्लीट है, कमिट के साथ पुश कर दिया। अब होगा क्या, अब आपको कहीं ना कहीं डिप्लॉय करना होगा। तो आप क्या करते हैं, यूजुअली किसी सर्वर पे जाते हैं, या तो आप बिल्ड करके पुश करते हैं, या तो आप किसी दूसरे सर्वर पे जाते हैं, वहाँ पे गिट पुल करते हैं,
पुल करने के बाद उसको डिप्लॉय बिल्ड करते हैं और फिर उसको डिप्लॉय कर देते हैं उसी सर्वर के ऊपर। अगर मैं कंटिन्यूस इंटीग्रेशन की बात करूँ तो अगर मुझे जो डिप्लॉयमेंट का जो ऑपरेशनल प्रोसेस है उसको स्मूथ करना, तो क्या आपको लगता है इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है कि जिसकी मदद से सर्वर को पता चलेगा कि हाँ यार अब ये काम मेरे पास आया है तो मुझे ये डिप्लॉय करना है। तो ज़रा सोचिए, एक प्रोसेस ऐसा है जिसके अंदर जब भी मैं अपना काम कंप्लीट करता हूँ तो मैं किसी ना किसी सर्वर पे पुश करता हूँ, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, लाइक गिटहब पे। गिटहब पे जैसे ही पुश हो तो सर्वर को किसी तरीके से पता चल जाए कि यार मुझे क्या करना है, अब डिप्लॉय करना है। अब डिप्लॉय करने से मतलब यही है कि वो डिप्लॉय के प्रोसेसेस आप डिफाइन करते हैं कि यार अच्छा ये कोड मैंने, लेट से आपने एक ब्रांच बनाई डेवलप की गिटहब पे, अब आपने अपने गिटहब के अंदर हमारे पास एक्शंस होते हैं, डिस्कस करेंगे हम उसका, एक एग्जांपल भी करके देखेंगे अभी। लेकिन समझने के लिए आपने अपने सिस्टम पे काम किया, एक आपने फीचर अचीव किया, लेट से हमने अभी डिस्कस किया ऑथेंटिकेशन का। ऑथेंटिकेशन का जैसे ही आप काम कंप्लीट करके आप पुश करते हैं कोड को अपना, तो लेट से हमने एक ब्रांच रखी हुई है डेवलप की, हम कहते हैं जब भी डेवलप की ब्रांच में कोई कोड पुश हो तो वो ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाए एक्स वाई जेड सर्वर के ऊपर। तो ये पॉसिबिलिटी हमारे पास है। गिटहब के अंदर हमारे पास एक्शंस मौजूद है जिसके अंदर एक्शन की मदद से हम ये काम कर सकते हैं। अब क्या हुआ, ऑपरेशनल बंदे की आपको ज़रूरत नहीं आए, अब आपने ही डेवऑप्स वाला रोल परफॉर्म कर लिया, डेवलपमेंट की और ऑपरेशंस को हैंडल कर लिया। एक तो ये पूरा एक साइकिल है जो डेवऑप्स के साइकिल के अंदर आता है। वो यहाँ तक कोई इश्यू नहीं होगा, अगर कोई इश्यू हो तो आप प्लीज़ मैसेज कर सकते हैं, तो आई विल ट्राई टू रिप्लाई। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम है जो कि आपने नोट किया होगा, आपने एप्लीकेशन लेट से बनाई, अभी मैं कहता हूँ नोट जेएस की, नोट जेएस के 10 वर्जन के ऊपर, ठीक है, बल्कि अभी जो भी लेटेस्ट चल रहा है अभी हम उसको छोड़ते हैं। अभी मैं कहता हूँ किसी पुराने वर्जन पे मैंने एप्लीकेशन बनाई है, लेट से नोट जेएस के 10 वर्जन पे एप्लीकेशन बनाई। अब मैं जाता हूँ जब सर्वर के ऊपर, तो हो सकता है, बल्कि हम यहाँ पे राइट डाउन भी कर लेते हैं थोड़ा सा, जी सिर्फ 1 मिनट दे दें। चले, होप आपको स्क्रीन नज़र आ रही है। लेट से आपने एप्लीकेशन बनाई है, आपकी एप्लीकेशन बनी हुई है नोड जेएस के 14 वर्जन पे, ठीक है, अभी हम कहते हैं 14 का कोई भी वर्जन हो सकता है एक्स। अब जब मैं सर्वर पे जाता हूँ, ठीक है, आपने तो आपके सिस्टम में ये इस वर्जन के ऊपर बना दी जो आपके लोकल मशीन के ऊपर था, एप्लीकेशन बनाई थी नोड जेएस के 14 वर्जन पर। अब मैं जब सर्वर पे जाता हूँ, सर्वर के ऊपर नोड जेएस का वर्जन अभी मेरे पास मौजूद है 12, तो अब मैं क्या करूँ, एक प्रॉब्लम है ये कि एप्लीकेशन आपकी है 14 वर्जन पे, सर्वर पे अभी तक, लेट से थोड़ी देर के लिए हम ये सपोज करते हैं कि सर्वर ने अभी तक अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, अभी वो नोड के 12 वर्जन पे है, तो अब मैं क्या करूँ, क्योंकि नोड जेएस के जो 14 वर्जन के ऊपर जो फीचर्स मेरे पास थे वो 12 वर्जन पे डेफिनेटली मुझे नहीं मिलेंगे, और जब वो नहीं मिलेंगे तो मैं इसको डिप्लॉय भी नहीं कर सकता, ये एक प्रॉब्लम है। एम आई राइट? ठीक है, यहाँ पे डिप्लॉय नहीं कर सकता क्योंकि जो फीचर्स 14 में है वो 12 में नहीं थे। तो एक तरीका तो ये है, मैं कहूँ कि यार नोड जेएस के एप्लीकेशन पे जो मैंने 14 वर्जन पे काम किया था वो सारा मैं कन्वर्ट कर दूँ किसके ऊपर, 12 के ऊपर, और फिर मैं इस सर्वर के ऊपर लेके जाऊँ, एक तरीका तो ये है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, या मैं ऐसा सर्वर ढूंढूं जो कि हो 14 के ऊपर, जो ऑलरेडी अप टू डेट चल रहा हो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं। अब मैं ऐसा कहूँ आपसे कि यार एक ये प्रॉब्लम थी, इसको हम रखते हैं, अब दूसरी प्रॉब्लम समझते हैं कि आपके यही वाला जो सेम सिनेरियो, अगर हम इसको लेते हैं सर्वर की जगह, हम कहते हैं यार आपके पास कोई दूसरा डेवलपर मौजूद है, टीम मेंबर, ठीक है। अब टीम मेंबर के सिस्टम के अंदर जो नोड जेएस का वर्जन इंस्टॉल हुआ हुआ है वो हुआ हुआ है 12, ठीक है, हम सपोज करते हैं आपने एप्लीकेशन बनाई हुई है 14 के ऊपर, तो आप मुझे ये बताएं जब आप टीम मेंबर के पास अपनी एप्लीकेशन देंगे तो ये वही वाला प्रॉब्लम आ गया कि उसके पास 12 वर्जन है और हमने जो एप्लीकेशन बनाई है वो 14 वर्जन के ऊपर बनाई हुई है, तो ये इशू अभी भी है। तो अब ये होगा कि आप अपने टीम मेंबर को बताओगे कि भाई तुम अपने सिस्टम के अंदर है ना नोड जेएस
वर्जन 12 को रिमूव करो, या तो अब या तो 14 के ऊपर अपग्रेड कर दो। सिंपल सा तरीका तो ये है। अब हो सकता है कि आपका जो टीम मेंबर है वो ये बोलना स्टार्ट कर दे कि यार मेरे पास दूसरी एप्लीकेशंस है, क्योंकि टीम मेंबर के अपने सिस्टम पे है ना, उसके पास दूसरी भी एप्लीकेशंस होंगी। तब तो वो कहेगा कि यार मेरी दूसरी एप्लीकेशंस तो नोड जेएस के 12 वर्जन पे चल रही है, अब मैं 14 पे करूंगा तो हो सकता है कि प्रॉब्लम्स आ जाए। हो सकता है सही भी चले, या हो सकता है बहुत सी एप्लीकेशन को 12 वर्जन के बाद प्रॉब्लम आ जाए। तो ये कुछ इश्यूज हैं। तो इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन है एक, जिसको हम कहते हैं कंटेनराइजेशन। डॉकर एक टूल है, हमारे पास सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसके मदद से हम अपनी एप्लीकेशन को क्या कर देते हैं, कंटेनराइज कर देते हैं। अब इसका क्या मतलब, कंटेनराइज का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी एप्लीकेशन बनी हुई थी, ठीक है, लाइट से ये आपकी एप्लीकेशन है, हम इस तरह से बात करते हैं क्योंकि आप लोगों ने HTML CSS JavaScript ऑलरेडी पढ़ी हुई होगी, तो हम टेक की जबान में बात कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ी सी आसानी से समझ में आ जाएगी। हम कहते हैं हमारे पास एप्लीकेशन मौजूद है एक नोड जेएस की, ठीक है, ज़बरदस्त। अब ये कौन से वर्जन पे मौजूद है हमारे पास, डेट से अभी 12 पे ही थी ना, ठीक है, गुड हो गया 12 पे। तो हमारी एप्लीकेशन बनी हुई है 12 के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे आपकी पूरी एप्लीकेशन मौजूद है। अब कंटेनराइज का क्या मतलब, हम इसको किसी एक कंटेनर के अंदर क्या कर देते हैं, रैप कर देते हैं। और ये कंटेनर किसका होगा हमारे पास, हमारे केस में ये जो कंटेनर होगा हमारे केस में होगा वो होगा डॉकर का, लाइक दिस। यानी हमने पूरी अपनी एप्लीकेशन को रैप कर दिया कंटेनर के अंदर। और इस कंटेनर से फायदा क्या होगा, अभी मैं बताता हूँ, 2 मिनट दीजिएगा। मैं कहता हूँ यार ये जो कंटेनर है ना, इसके अंदर मैं यूज करूंगा नोड जेएस का कौन सा वर्जन, हमारे केस में था 12 एप्लीकेशन। तो मैं कह देता हूँ यार इस कंटेनर के अंदर मैं नोड जेएस का 12 वर्जन यूज करूंगा, तो इसके अंदर एप्लीकेशन जो मेरी चलेगी वो चलेगी नोड जेएस की जो मैंने बनाई थी 12 वर्जन पे, तो ये सक्सेसफुली चल जाएगी। अब क्या होगा, अब आप ये सोचें कि ये कंटेनर बन गया एक बॉक्स। कंटेनर का मकसद क्या होता है, अगर आप लोगों ने देखा हो कि शिप्स के ऊपर कंटेनर्स मौजूद होते हैं, कंटेनर के अंदर कोई भी सामान हो इससे कोई लेना देना नहीं होता, कंटेनर है शिप्स के ऊपर रखे और एक जगह से दूसरी जगह हमने उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम यूज़ करते हैं कंटेनर्स को। तो यहाँ पे हम अपनी एप्लीकेशन को ट्रांसपोर्ट करेंगे किस तरीके से, बताता हूँ। डॉकर, डॉकर एक एप्लीकेशन है जिसकी मदद से हम कंटेनराइज कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को। इससे फ़ायदा क्या होगा अभी मैं बताता हूँ। अब जो हमारे सर्वर्स हैं, क्लाउड के सर्वर्स मौजूद हैं हमारे पास, अब मोर और लेस मेरे ख्याल में 95%, अगर मैं गलत ना हूँ तो, सारे 95% सर्वर्स जो है हमारे पास वो सपोर्ट करते हैं किसको, कंटेनराइजेशन को, ठीक है। कंटेनराइजेशन का मतलब यह है कि डॉकर की एप्लीकेशन आपको कंटेनर ऑलरेडी बना के दे रही है, तो हम जो अपने कंटेनर्स बनाएंगे वो किसकी मदद से बनाएंगे, इस डॉकर की मदद से। डॉकर एक सॉफ्टवेयर है, जो टूल है, सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम कंटेनर बना सकते हैं, कैसे वो भी मैं बताता हूँ। अब इससे फायदा क्या हो, अब इसको हमने कंटेनर में रैप कर लिया, अब इस कंटेनर में कुछ भी हो किसी सर्वर को प्रॉब्लम नहीं है, सर्वर कहता है मुझे कंटेनर दो, मैं उस कंटेनर को आपको रन करके दे दूंगा, खत्म। अब इस कंटेनर के अंदर मैंने ये एक एप्लीकेशन बनाई जो 12 वर्जन पे है, मैंने एक और एप्लीकेशन बना दी जो के 14 वर्जन पे, लेट से अभी हम ये सपोज कर लेते हैं। तब कंटेनर के अंदर कुछ भी मौजूद है इससे कोई लेना देना नहीं है। कंटेनर, आप कंटेनर क्या है, कंटेनर का मतलब डॉकर का कंटेनर मतलब, डॉकर एक सॉफ्टवेयर है जिसने एक इंडस्ट्री का एक वो कंटेनर बनाने का तरीका है, ठीक है। कंटेनर इंडस्ट्री ने बताया हुआ है कि कंटेनर बनाने के लिए आपको ये चीज़ें ज़रूरी है, ठीक है, जैसे बहुत से लॉज होते हैं ना कि उसमें ये चीज़ें होंगी तो ये कहलाता है, तो ये वही वाली चीज़ है कि कंटेनर का मकसद क्या है, वो लॉज हैं, कुछ तरीके हैं, अगर आप वो तरीके फुलफिल करें तो आप वो कंटेनर बना सकते हैं। डॉकर हमें वो सारे तरीके फुलफिल करके हमें कंटेनर बना के दे सकता है। क्या डॉकर के अलावा दूसरे सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं जो हमें कंटेनर बना के दें, बिल्कुल मौजूद है।
डॉकर के अलावा और दूसरे एप्लीकेशन हैं जो हमें कंटेनर्स बना के देते हैं, लेकिन जो मोस्ट फेमस आजकल इंडस्ट्री में जो यूज़ किया जा रहा है वो डॉकर है, तो इसीलिए हम डॉकर को यूज़ करेंगे, ठीक है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, ठीक है, कंटेनर्स, ओके। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब हुआ क्या, अब आपने अपनी एप्लीकेशन को रैप कर दिया कंटेनर के अंदर। जैसे ही कंटेनर के अंदर रैप हो गया, अब आप इसको किसी भी सर्वर पे डिप्लॉय कर सकते हैं। अब जो दूसरे सर्वर से जो आपके पास डायरेक्टली इस तरीके से डिप्लॉय होते थे पहले, वो ये होता था कि आपके सर्वर के ऊपर नोड जेएस का कोई सिस्टम इंस्टॉल, नोड जेएस का वर्जन इंस्टॉल हुआ होता था, तो ये प्रॉब्लम्स थी। लेकिन कंटेनर के अंदर ये ज़रूरी नहीं है। कंटेनर एक आइसोलेटेड मोड होता है। ये कंटेनर जो है, ये कंटेनर को नहीं पता ये कंटेनर क्या है। क्या हम आपस में दो कंटेनर्स को बात करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें हमें परफॉर्म करनी पड़ेगी जिसकी मदद से हम आपस में दो कंटेनर्स को कम्युनिकेट करवा सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए आपको यही समझना ज़रूरी है कि ये जो कंटेनर है ये पूरा आइसोलेटेड मोड में है। अब इस कंटेनर के अंदर जो हो रहा है वो इसी कंटेनर में हो रहा है, इस कंटेनर से बाहर इसको इम्पैक्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा कंटेनर होगा वो होगा आइसोलेटेड, ठीक है, गुड हो गया। यहाँ तक होपफुली चीज़ें क्लियर होगी कि कंटेनर है, हम अपने एप्लीकेशन को कंटेनर के अंदर रैप कर देंगे और वो कंटेनर होगा आइसोलेटेड। अब मजे की बात यह है कि अब इस कंटेनर के अंदर मैं कुछ भी दे दूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे, मैं बताता हूँ। अभी मैंने आपसे एक लास्ट सिनेरियो शेयर किया था जिसमें प्रॉब्लम ये थी कि टीम मेंबर के सिस्टम में नोड जेएस का 12 वर्जन इंस्टॉल था और जो आपकी एप्लीकेशन थी वो 14 वर्जन के ऊपर थी, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ, मैंने कंटेनर बनाया, ये आपने, आप डेफिनेटली जब आप कंटेनर बनाएंगे तो आपके सिस्टम में क्या मौजूद होगा, डॉकर इंस्टॉल होगा, तो ही आप कंटेनर बना सकते हैं। तो मैंने डॉकर इंस्टॉल कर लिया अपने सिस्टम में, हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको अपने टीम मेंबर को कहना है भाई एक प्री रिक्विजिट है, आपको अपने सिस्टम के अंदर क्या करना होगा, इंस्टॉल डॉकर, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो ज़रा संभाल लीजिएगा क्योंकि मैं यहाँ पे स्पेलिंग पे ध्यान नहीं दे रहा अभी। तो इंस्टॉल डॉकर, आपने कहा कि यार एक काम करो भाई, तुम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करो डॉकर और ये वाला कंटेनर रन कर दो, बस। अब इस कंटेनर के अंदर जो भी आपने काम किया हुआ होगा ना वो उसके सिस्टम में रन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस कंटेनर के अंदर हमने बताया हुआ है कि इस कंटेनर के अंदर मुझे चाहिए नोड जेएस का 14 वर्जन, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल भी मैं आपको दे देता हूँ। अब मेरे सिस्टम के अंदर लेट से, यहाँ पर ज़्यादातर लोग माइसक्वल यूज़ करते हैं या तो फिर मंगोडीबी यूज़ करते हैं, ठीक है। डेटाबेस की बात करता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब आप ये सोचें, आपके सिस्टम में एक डेटाबेस इंस्टॉल हुई हुई है माइसक्वल, ठीक है। अब माई सीक्वल जो इंस्टॉल हुई है आपके, मुझे नहीं पता कि इसका कौन सा वर्जन चल रहा है, लेकिन लेट से मैं कहता हूँ आपके पास कोई ओल्ड वर्जन चल रहा है, ठीक है, और इसका भी ओल्ड वर्जन चल रहा है, और आपके पास इन दोनों डेटाबेसिस के ऊपर आपके पास एप्लीकेशंस बनी हुई हैं, आप यूज़ कर रहे हैं एक्चुअली उसको। अब मुझे ये बताएं, अगर आपके पास कोई नई एप्लीकेशन आती है उसके लिए आपको नया माई सीक्वल चाहिए, न्यू वर्जन, तो आप क्या करेंगे? ऐसे ही है ना? अब मुझे बताएं आप क्या करेंगे? एक तरीका तो यही है वही कि भाई मैं पुराना ओल्ड वर्जन रिमूव करूं और न्यू वर्जन इंस्टॉल कर दूं और आप माई सीक्वल यूज़ कर लें, डेफिनेटली ये तो तरीका है। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या है, वही न्यू वर्जन जब आप इंस्टॉल करेंगे तो अगर आपके पुराने वर्जन के ऊपर माई सीक्वल का कोई एप्लीकेशन चल रही होंगी तो वो प्रॉब्लम करेगी डेफिनेटली। तो ये एक प्रॉब्लम है, इसको भी सॉल्व करने का वही तरीका है। अब आप, अगर मैं अभी आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म मौजूद है जिसका नाम है डॉकर हब, ठीक है। डॉकर हब पे हम जाते हैं और देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका भी सॉल्यूशन है यही वाला सॉल्यूशन है जो मैंने कंटेनराइजेशन की बात बताई थी आपको, कि अब हमने डॉकर डेटाबेस को भी क्या कर दिया है, कंटेनराइज कर दिया है। क्या मतलब, जैसे माई सीक्वल कंटेनराइज हो गया है, माई सीक्वल का वर्जन लेट्स से 12, ठीक है, और ये एक डॉकराइज कंटेनर मौजूद है आपके पास, कंटेनर मौजूद है, दूसरा कंटेनर मौजूद है आपके पास माई सीक्वल का लेट्स से वर्जन 14, ये वर्जन कुछ भी हो सकते हैं मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। और जो लेटेस्ट वर्जन आता है आपके पास आप कहते हैं लेट्स से 16। तो अब ये देखें ये कंटेनर्स मौजूद है।
अब मजे की बात है, कंटेनर को हम किसी भी वक्त क्या कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं। अप एंड डाउन का मतलब स्टार्ट एंड स्टॉप कहते हैं, अप एंड डाउन कहते हैं, ठीक है। कंटेनर अप होगा तो आप एक्सेस कर सकेंगे, कंटेनर डाउन होगा तो आप एक्सेस नहीं कर सकेंगे, स्टार्ट होगा तो आप एक्सेस कर सकेंगे, स्टॉप होगा तो एक्सेस नहीं कर सकते। स्टार्ट को हम रन भी कहते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं इसको। अब हम चलते हैं उसके ऊपर, किस पे, ब्राउजर के ऊपर। और ब्राउजर के ऊपर हम देखते हैं इसको किस तरीके से, मैं बताता हूँ। चलो ब्राउजर पर चलते हैं, सफारी ब्राउजर पर चलते हैं। ओके, सफारी सफारी गया। सफारी पे आए हम लोग, या अब मैं लिखता हूँ डॉकर हब, ठीक है। ये देखें, ये वेबसाइट मौजूद है hub.docker.com। क्या लिखा हुआ है, डॉकर हब कंटेनर इमेज लाइब्रेरी, ठीक है। जिस तरीके से गिट के लिए हम लोग गिट हब यूज कर रहे होते हैं ना, इसी तरीके से वहां पर डॉकर हब मौजूद है, जिसके ऊपर सारी इमेजेस मौजूद हैं। किसकी, अभी हम देखते हैं। अभी एग्जांपल मैंने नोड जेएस ली थी, नोड जेएस का कंटेनर हमारे पास मौजूद है। MySQL की एग्जांपल दी थी, MySQL का कंटेनर हमारे पास मौजूद है। MongoDB की एग्जांपल दी थी, MongoDB का कंटेनर हमारे पास मौजूद है। लेट्स सी, हम चलते हैं। ठीक है दोस्त, हम सर्च करते हैं यहाँ पे, लेट्स से थोड़ी देर के लिए Node.js। तो अब ये देखिएगा, ये Node.js की एप्लीकेशंस से रिलेटेड चीज आ गई Node.js। हमें नोड देखते हैं तो ये देखें, नोड ऑफिशियल इमेज, ये जरूर देखिएगा। यहाँ पे जिस पे भी ऑफिशियल इमेज नहीं लिखा हुआ होगा तो क्या मतलब है इसका, कि वो जिस तरीके से आप भी अपनी इमेज बिल्ड करके आप डॉकर हब पे डाल सकते हैं, और हम डालेंगे भी, आप अपने कोर्स के अंदर डालते हैं यूजुअली, हम डालेंगे करके देखेंगे, पुश करके कोड को, अपने इमेज को। एक्चुअली कंटेनर बनती है, कंटेनर के बाद इमेज बनती है, इस पर हम आते हैं थोड़ी देर में। लेकिन अभी ये देखें, यहाँ पे इसने बताया हुआ कि ये जो नोड है ये ऑफिशियल इमेज है, ये मंगो एक्सप्रेस है, ये ऑफिशियल इमेज है। तो इसका मतलब ये किसी यूजर की नहीं है, ये स्पेसिफिक उस कंपनी की है, ठीक है। लेट्स से अब मैं नोड पे चलता हूँ। ये देखिए नोड, इसको यूज करना कितना सिंपल है, जरा आप देखिएगा। इस तरीके से हम क्या लिखते थे, गेटअप के अंदर लिखते थे ना, गेट पुल ओरिजिन एंड देन पाथ देते थे, तो गेट का जो भी वो क्लोन, गेट क्लोन एंड गेट पुल, सारी चीज़ें जो हम करते थे यूजुअली, तो वो क्या करता था, रेपोजिटरीज को अपने आपके सिस्टम में पुल ले लेता था और क्लोन कर लेता था। तो इसके अंदर हमारे पास पुल है, डॉकर पुल नोड। ये क्या करेगा, डॉकर पुल नोड का मतलब यह है कि आपके सिस्टम के अंदर जो डॉकर हब के ऊपर इमेज मौजूद है ना नोड की, वो आपके सिस्टम में डाउनलोड कर लेगा, ताकि आप उससे आप अपना कंटेनर बना के रन कर सकें, ठीक है। अब ये देखें, इसकी पूरी डिटेल नीचे दी हुई है आपके पास, ठीक है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे वर्जन कितने मौजूद हैं इसके, यस ये देखें, ये इसके वर्जन मौजूद है। ये देखिए लेटेस्ट, जब भी आप लेटेस्ट यूज करेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो भी लेटेस्ट नोट का वर्जन चल रहा होगा वो आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें 16.8। अगर आपको 16.8 वर्जन यूज करना हो तो आप 16.8 स्पेसिफिक वर्जन यूज करते हैं। हम चलते हैं थोड़ा सा पुराना वर्जन, अगर मुझे यूज करना हो, ये देखें 14 वर्जन, ठीक है। तो ये इसके वर्जन्स ऑलरेडी मौजूद है, बहुत सारे वर्जन्स मौजूद हैं इसके, डेफिनेटली जब भी आपको इतने सारे पेजेस नज़र आ रहे हैं। तो हम थोड़ा सा और पीछे करके देखते हैं कि हमारे पास और कौन से वर्जन, ये देखें 12 वर्जन आ गया, ठीक है, 12 वर्जन भी आ गया आपके पास। और इस तरीके से और आप जितने पीछे जाएंगे आपके पास और वर्जन्स आते जाएंगे। तो ये देखें, जो पुराने वर्जन्स थे 0 समथिंग, तो वो भी अवेलेबल है। तो कहने का मकसद ये है, ये डॉकर के कंटेनर है, आप उसको अपना वो बताएंगे टैग, टैग का मतलब कौन सा वर्जन यूज़ करता है, ठीक है। हम अपनी इमेज को टैग देते हैं,
तो इमेज को इन्होंने टैग जो दिए हुए हैं वो ये वाले वर्जन्स दिए हुए हैं, तो ये सारी चीज़ आपके पास देखिए ऑलरेडी मौजूद है। ये देखें जीरो से स्टार्ट हो गया वर्जन, तो ये आप कोई भी वर्जन अपने सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन से रिलेटेड, अब ये तो नोड जैसा, अभी हम माई सीक्वल और एक दफ़ा मोंगो डीबी भी देख लेते हैं। माई सीक्वल पर चलते हैं, ये देखें ये भी इसकी ऑफिशियल इमेज है। अब मज़े की बात ये है कि माई सीक्वल के जो वर्जन होते हैं हम टैग्स पर डायरेक्ट चलते हैं, लेटेस्ट का मतलब जो लेटेस्ट होगा। अब ये देखिए 8 चल रहा है अभी, ठीक है। 8 के अलावा अगर आप 5 पे जाना चाहें, ये देखिए 5.7.35 पे जाना चाहें, 5.7 पे जाना चाहें, एंड सो ऑन, आप किसी भी वर्जन पे जाना चाहें माई सीक्वल के आप जा सकते हैं। इससे फ़ायदा ये है कि आप इमेज डाउनलोड करेंगे और आपके सिस्टम में वो कंटेनर को रन करेंगे। जब कंटेनर रन होगा तो वो आइसोलेटेड होगा, किसी को नहीं पता कि उस कंटेनर के अंदर क्या है, ठीक है। तो ये एक इसकी ब्यूटी है। तो क्या मैं एक साथ दो वर्जन यूज कर सकता हूँ माई सीक्वल के? अब ये सवाल है, क्योंकि कंटेनर तो आइसोलेटेड है ना, तो क्या मैं मल्टीपल कंटेनर रन कर सकता हूँ? एक कंटेनर के अंदर माई सीक्वल का 5.7.3 वर्जन हो और एक कंटेनर में माई सीक्वल का जो लेटेस्ट चल रहा हो 8 वर्जन, पॉसिबल है? यस और नो? बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। कैसे पॉसिबल है? लाइक दिस, ये देखें हमने बताया डॉकर रन करो, ये जो नेम बताया हुआ है ना हमने, ये आपके सिस्टम में नेम मौजूद होगा, यानी आपने एक कंटेनर बनाएंगे इस नाम से आपके सिस्टम में कंटेनर बन जाएगा, ठीक है। माइनस ई एनवायरमेंट वेरिएबल्स हैं, इनके पास पहले से ये प्री डिफाइंड है कि माई सीक्वल रूट पासवर्ड इक्वल्स टू, यहाँ पे आप अपना रूट पासवर्ड सेट कर सकते हैं माई सीक्वल का, ठीक है। माइनस डी बैकग्राउंड के लिए, बैकग्राउंड सर्विस में चलेगा, और हम कौन सा वर्जन यूज करने चाह रहे हैं एक्चुअल वो यहाँ पे आता है। यहाँ पे मैं कह दूँ माई सीक्वल लेटेस्ट, लेटेस्ट होगा तो क्या होगा, जो भी लेटेस्ट होगा वो चलना शुरू हो जाएगा। और मैं इस टैग की जगह पे मैं दे दूँ माई सीक्वल 5.7.3, तो 5.7.3 का कंटेनर आपके पास रन हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे दे दूँ माई सीक्वल का वर्जन 8, तो यहाँ पे टैग कर दूँ 8, तो ये माई सीक्वल का 8 वर्जन लेके आपके सिस्टम में, यानी आप 3, 4 जितने भी कंटेनर्स बना के आप अपने सिस्टम में रन करना चाहते हैं अलग अलग वर्जन्स के, तो आप किसी भी टाइम पे यूज कर सकते हैं। अब सवाल एक आता है कि माई सिक्वल किसी एक स्पेसिफिक पोर्ट के ऊपर चलता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, याद है किसी है, पता है सबको, होपफुली पता होगा। जिस तरीके से आप नोट की एप्लीकेशन चलाते हैं तो नोट की एप्लीकेशन स्पेसिफिक किसी ना किसी वर्जन के ऊपर चल रही होती है, इसी तरीके से आपकी जो माई सीक्वल है, माई सीक्वल भी कोई स्पेसिफिक पोर्ट के ऊपर चल रहा होता है। माई सीक्वल का स्पेसिफिक पोर्ट क्या है मैं देख के बता देता हूँ आपको भी। नहीं, मुझे याद नहीं है अभी माई सीक्वल का पोर्ट, अभी देख लेता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। माई सीक्वल कंटेनर, ठीक है, कंटेनर पोर्ट लिखेंगे तो एक कंटेनर से ही रिलेटेड सारी चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए ऑटोमेटिक इसको पता है कि कंटेनर की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये कंटेनर आ गया आपके सामने। लेट्स से इसके अंदर कहीं ना कहीं एपिक पोर्ट बताई भी होगी, थोड़ी देर के लिए अभी हम देखते हैं। अगर आप कोई भी टैग नहीं देंगे तो वो कौन सा वाला यूज़ करेगा? लेटेस्ट यूज करेगा, ठीक है। वरना आप अगर स्पेसिफिक कोई वर्जन यूज करना चाहते तो आप वो स्पेसिफिक वर्जन बता दीजिएगा। इसमें भी कहीं पे मुझे पोर्ट नजर नहीं आ रही, आई थिंक 3306 होती है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देख सकते हैं फिर भी कंफर्म करके बता दूं माय सिक्वल। हाँ यही 3306 होती है। अब आप मुझे ये बताएं, जब आपको अपनी एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करना होता है तो हम कौन सी पोर्ट पे करते हैं? स्पेसिफिक कोई ना कोई पोर्ट होगी ना आपके पास? हाँ क्या, मेरे पास डॉक्यूमेंट डॉक्स, ठीक है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा ओके, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि माई सिक्वल की जो पोर्ट है वो है 3306,
अब आप मुझे ये बताएं, मैं अभी आपसे कह रहा हूँ कि हम MySQL के नए पुराने न्यू ओल्ड वर्जन्स यूज़ कर सकते हैं। लेट से मेरे पास 5.7.3 भी यूज़ कर सकता हूँ, और मैं वर्जन 8 भी यूज़ कर सकता हूँ, और मैं वर्जन 5 भी यूज़ कर सकता हूँ। यानी मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये थ्री कंटेनर्स, थ्री MySQL डिफरेंट वर्जन्स के एक साथ में अपने सिस्टम में यूज़ कर सकता हूँ वाया डॉकर, ठीक है। लेकिन मुझे ये बताएं, MySQL की तो पोर्ट एक ही है, कौन सी पोर्ट है MySQL की? प्री डिफाइंड पोर्ट, पोर्ट पहले से डिफाइंड हुई हुई है 3306। यानी अगर मैं थ्री MySQL की बात करूंगा तो MySQL पे 3306 पे ये भी चल रहा होगा, 3306 पे ये भी चल रहा होगा, 3306 पे ये भी चल रहा होगा। अब मैं क्या करूं? अब ये प्रॉब्लम है ना, क्या प्रॉब्लम है कि मैं तीन कंटेनर तो मैं रन कर चुका हूँ, कर सकता हूँ और करूंगा भी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पोर्ट तो एक ही है, और सिस्टम के ऊपर अगर आपके पास, लेट से अगर आप रिएक्ट यूज़ करते हैं, रिएक्ट यूज़ करते हैं, या तो आप नोड जेएस की कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, तो आप स्पेसिफिक पोर्ट बताते हैं। तो जिस तरीके से आपने नोड जेएस के अंदर आपने बताई कि यार मेरी 5000 पोर्ट के ऊपर सर्वर चल रहा है, ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं थोड़ी देर के लिए, क्या 5000 पोर्ट पे मैं अपना दूसरा सर्वर रन कर सकता हूँ? नहीं, तो उसके लिए मुझे चेंज करनी पड़ेगी पोर्ट। मैं कहूँगा यार 5000 पोर्ट के ऊपर नहीं चल सकता, तो आप 5000 बंद कर दो, एंड सो ऑन। जैसे रिएक्ट के अंदर भी अगर आप एप्लीकेशन एक चला के रखें, तो वो रिएक्ट फिर दूसरी एप्लीकेशन रन करके दे रहा होता है 3001 की पोर्ट के ऊपर, या एरर भी शो करता है कि भाई पहले से 3000 की पोर्ट आपकी यूज़ हो रही है, तो आप या तो स्टॉप करें या नई पोर्ट पर चलाएं। तो ये एक है, उसी तरीके से यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है कि 3306 के ऊपर तो आपके पास कोई एक चलेगा, ये वाला वर्जन चला ले, ये वर्जन चला ले और ये वर्जन चला ले। लेकिन मेरे केस में मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे तो तीनों एप्लीकेशन, तीनों वर्जन रन करने, तो फिर मैं क्या करूँ? फिर यहाँ पे आपके पास आती है डॉकर के अंदर पोर्ट बाइंडिंग्स, ठीक है। पोर्ट बाइंडिंग का जो सेंटेक्स है वो ये है, माइनस पी कमांड के साथ, कमांड के अंदर हम लिखेंगे माइनस पी, और यहाँ पे आएगा आपका होस्ट पोर्ट, पहले आता है होस्ट पोर्ट और फिर कंटेनर पोर्ट। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, अब इसी चीज़ को मैं बताता हूँ मैं कैसे लिखूंगा या कैसे यूज़ कर सकता हूँ। ये वर्जन 5 है, ये वर्जन 8 है, और ये आपके पास जो भी स्पेसिफिक वर्जन चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ पे मैं कहूँगा कि भाई माइनस पी पोर्ट को बाइंड करो किससे, लेट से मैं कह देता हूँ उसको 4000, 4000 3306, क्योंकि स्पेसिफिक जो कंटेनर में पोर्ट डिफाइन है वो कौन सी है, 3306। मैं कहता हूँ यार कंटेनर की जो पोर्ट है 3306 को मेरे सिस्टम की 4000 पोर्ट के साथ बाइंड कर दो। यानी अब मैं अपने सिस्टम पे जाऊँगा और लिखूंगा लोकल होस्ट 4000 पोर्ट, तो अब ये किसको एक्सेस करेगा? एक्चुअली ये करेगा कंटेनर की पोर्ट 3306 को, ये इसकी ब्यूटी है। तो ये हमने पोर्ट बाइंडिंग करवा दी, तो अब यही पोर्ट बाइंडिंग मैं यहाँ पे भी करवा सकता हूँ विदाउट एनी इशू। कैसे? मैंने 4000 पे चलाया, मैं कहता हूँ 4001, 4002, और कंटेनर की पोर्ट वही 3306। अब देखें तीन कंटेनर चल रहे हैं डिफरेंट वर्जन के MySQL के, और अलग अलग पोर्ट्स पे चल रहे हैं। यानी अगर मुझे डेफिनेटली जब भी MySQL का कोई स्पेसिफिक पोर्ट एक्सेस करना होगा, तो मैं कौन से पोर्ट पे एक्सेस करूंगा? या तो 4000 पे, या 4001 पे, या 4002 पे। अब ये फायदा हो गया हमें। तो इसी तरीके से नोड जेएस की बात करूँ तो नोड जेएस के अंदर भी सेम है। नोड जेएस का आप कोई भी वर्जन यूज़ कर लें, 12, 14 या 10, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन अलग डिफरेंट पोर्ट्स पे चल रही होगी, तो फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर लेट से अगर आप कहते हैं कि आपकी सारी एप्लीकेशन सेम पोर्ट पे चल रही है 5000 पे, तो फिर आप क्या करेंगे? सेम आप काम करोगे, यही माइनस भी 8001 8080, नहीं 5000, लेट से थोड़ी कंटेनर की पोर्ट अगर डिफरेंट है तो कोई मसला ही नहीं है। डिफरेंट नहीं है तो फिर हमें चेंज करनी पड़ती है, लाइक दिस। मैं कहता हूँ 802 803 5005। अगर डिफरेंट है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं। आप बताएं कि यार मेरी 6000 पोर्ट लोकल हो, सर्वर की पोर्ट 6000। अगर ऐसा है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है ना, फिर तो आप किसी भी पोर्ट पर चला सकते हैं। फिर आपको सेम पोर्ट भी रख सकते हैं, डिफरेंट पोर्ट भी रख सकते हैं आपको मर्जी, लाइक दिस। तो ये भी पॉसिबिलिटीज हैं कि आपका कंटेनर और आपका होस्ट सेम पोर्ट्स पे भी यूज़ कर सकते हैं, अगर ऐसी कोई डिफाइन की हुई है। हाँ, अगर
माई सीक्वल का अगर एक ही वर्जन चल रहा होता तो फिर आपको ये भी करने की जरूरत नहीं थी, आप सिर्फ कह दें 3306 सिंपल, फिर इनकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप मल्टीपल माई सीक्वल चला रहे हैं तो आपके पास डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, पोर्ट्स चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि माई सीक्वल हमेशा 3306 पे ही एक्सेस होगा। लेकिन हम अपनी लोकल सिस्टम की पोर्ट की बाइंडिंग ऐसी कर देते हैं लाइक दिस कि आप एक्सेस करेंगे 4000, वो इस कंटेनर के 3306 पे जाएगा एक्सेस करने के लिए। अगर आप यूज करेंगे, ये सर कंटेनर वन कह देता हूँ इसको, ठीक है, यानी ये कंटेनर वन हो गया, ये कंटेनर टू हो गया, ये कंटेनर थ्री हो गया, ठीक है। तो दिस 4000 4001 4002, और ये कंटेनर टू, एंड दिस, ये देखें इस तरीके से होगा। आप जब भी लोकल होस्ट 4000 को हिट करोगे तो वो कंटेनर वन की 3006 पोर्ट को एक्सेस करेगा, जब भी आप 4001 एक्सेस करोगे तो ये कंटेनर टू की 3306 को एक्सेस करेगा, और जब भी 4002 पे एक्सेस करने जाएंगे तो वो कंटेनर थ्री की 3306 को एक्सेस करेगा। तो ये पोर्ट बाइंडिंग्स कहलाती हैं, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेलिंग पे गौर मत कीजिएगा, ठीक है, पोर्ट बाइंडिंग्स। तो लाइक दिस, अब आप नोड जेएस का कोई भी कंटेनर आप अपने सिस्टम में रन कर लें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। आपकी एप्लीकेशन हो सकता है 5000 पोर्ट पे हो तो फिर आपको ये यूज़ करना पड़ेगा, आपकी एप्लीकेशन डिफरेंट पोर्ट्स पे मौजूद है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, आई थिंक यहाँ तक हमने बहुत चीज़ें देखी। अब हम देखते हैं एक दफ़ा नोड जेएस की जो एप्लीकेशन है हमारी, उसका हम अपने कंटेनर कैसे बना सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, देखते हैं हम किस तरीके से बनाते हैं उसको। मुझे एक मिनट दीजिएगा, ये स्टार्ट से लेते हैं। ये सिंपल सा मैंने सर्च किया था, डॉकर डॉकर विद नोड जेएस। तो ये देखें, डॉकर की वेबसाइट के ऊपर ले आया, बिल्ड योर डॉकर इमेज, ठीक है, सिंपल है। हुआ क्या इसमें वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें, एक सर्वर सैंपल एप्लीकेशन बनाई है जिस तरीके से आप नोड जेएस की एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है। एक एप्लीकेशन बना दी नोड जेएस की सिंपल, उसको स्टार्ट करने का अपना तरीका होता है, नोड सर्वर फाइल का नाम, तो आपके केस में कोई भी फाइल का नाम हो सकता है। हमने देखा कि हाँ भाई यार, हमारी एप्लीकेशन अब सही है, अब इसको हम कंटेनराइज करने जा रहे हैं, यानी डॉकर बनाने जा रहे हैं। डॉकर बनाने के लिए क्या यूज़ करना है, आप सबसे पहले बताते हैं एक फाइल जिसका नाम होगा डॉकर फाइल, ठीक है। कौन सी फाइल आप क्रिएट करेंगे अपने रूट के फोल्डर में, प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में, डॉकर फाइल, ये आपका फाइल नेम है, ठीक है। अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट से करेंगे तो लिनक्स के अंदर टच करेंगे, वरना तो न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे विंडोज के अंदर इन रूट डायरेक्टरी, प्रोजेक्ट रूट डायरेक्टरी, प्रोजेक्ट रूट डायरेक्टरी, ठीक है जी। इसके अंदर आप एक फाइल बनाएंगे टच, या किसी भी तरीके से लिनक्स में टच हो जाएगी, वरना तो न्यू फोल्डर करके डॉकर की फाइल बनाएंगे। सबसे पहली लाइन आप बताएंगे फ्रॉम, फ्रॉम के अंदर हम बता रहे हैं कि यार इमेज कहाँ से बनानी है। तो हमारी जो बेस इमेज है, हमारी बेस इमेज कौन सी हम यूज़ कर रहे हैं इसमें, नोट का 12.18.1 वर्जन। क्या आप कोई और यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आपके केस में 12 भी हो सकता है, आपके केस में 14 भी हो सकता है, वॉट एवर, ठीक है। तो आपको सिंपल बताना है कि नोट का कौन सा वाला वर्जन यूज़ करना है। उसके बाद हम आते हैं, फिर हम बताते हैं इन्वायरमेंट, अगर आप चाहें तो बताएं, ना चाहें तो ना बताएं। इन्वायरमेंट फाइल्स है, सॉरी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स है, जो हम .env के फाइल के अंदर बताते हैं ना सीक्रेट्स अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, तो ये वही वाले एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हैं। तो इसमें इस तरीके से बताते हैं डॉकर की फाइल में। और आपने बताई वर्किंग डायरेक्टरी, वर्किंग डायरेक्टरी आपके केस में कोई भी हो सकती है, abc/xyz। तो यूजुअली जो स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है, अगर आपकी एप्लीकेशन है तो आप अपनी वर्किंग डायरेक्टरी को /app के अंदर ही वर्किंग डायरेक्टरी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये कहाँ आ गया, एक मिनट दीजिएगा बस, आई थिंक बैक हो गया, ठीक है, यहाँ पे आ गए। तो ये रही आपकी वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। वर्किंग डायरेक्टरी के बाद हम कॉपी करने जा रहे हैं, क्या कॉपी करने जा रहे हैं, पैकेज डॉट जेसन और पैकेज डैश लॉग डॉट जेसन को, कहाँ पे, करंट डायरेक्टरी पर। करंट डायरेक्टरी का मतलब क्या हो गया, अब आपकी वर्किंग डायरेक्टरी करंट डायरेक्टरी है। तो हमने दो फाइल को कॉपी किया, या तो
दो फाइल का कॉपी करके हमने करंट फाइल के अंदर पेस्ट कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक अपनी कमांड रन की npm इंस्टॉल। जब भी आप अपना प्रोजेक्ट किसी को देते हैं तो सबसे पहले उसके पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं ना, तो ये वही वाला काम है। ये जो पैकेजेस इंस्टॉल कर रहा है ये कहाँ पे कर रहा है, बिल्ड के टाइम पे वो कंटेनर के अंदर कॉपी करेगा इन फाइल्स को और फिर इंस्टॉलेशन करेगा। और फिर कॉपी डॉट कॉपी का मतलब क्या है, करंट फोल्डर के अंदर क्योंकि आपके पास नोट की एप्लीकेशन मौजूद है, उस नोट की एप्लीकेशन को यानी डॉट का मतलब करंट डायरेक्टरी को उठा के वर्किंग डायरेक्टरी में पेस्ट कर दो। वर्किंग डायरेक्टरी यहाँ पे डॉट का मतलब क्या है, स्लैश ऐप, ठीक है, यानी आपका करंट कोड जितना भी था सारा कॉपी होगा और वर्किंग डायरेक्टरी स्लैश ऐप में चले जाएगा। उसके बाद हमने एक कमांड रन करनी थी, जिस तरीके से आपको पता है कि आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट किस तरह होती है, आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है कमांड एक्चुअली नोड सर्वर डॉट js, लेकिन डॉकर की फाइल में हम बताएंगे cmd कमांड नोड सर्वर डॉट js। ये क्या करेगा, जैसे ही आपकी इमेज कंप्लीट हो जाएगी, कंटेनर बन जाएगा, तो ये वाली कमांड को रन करेगा और आपकी एप्लीकेशन रन हो जाएगी। तो ये देखें इसका पूरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आएगा एंड में, डॉकर की फाइल जो बनेगी लाइक दिस कंप्लीट डॉकर फाइल, वो इस तरीके से होगी। फ्रॉम दिस एनवायरनमेंट वेरिएबल आपने बता दिया, अगर आप बताना चाहें तो, वर्किंग डायरेक्टरी कॉपी करवाया, रन कॉपी एंड कमांड। तो ये क्या करेगा, जब ये कंटेनर बनेगा तो ये वाली कमांड को रन करेगा और इस कमांड को रन करने से आपकी एप्लीकेशन रन हो जाएगी, यानी ये कंटेनर जैसे ही स्टार्ट होगा तो आपकी एप्लीकेशन रन हो जाएगी, ठीक है। और ये देखें जिस तरीके से हम डॉट गेट इग्नोर की फाइल बनाते थे, उसी तरीके से हम बनाते हैं डॉकर इग्नोर की फाइल। इसके अंदर अगर आप चाहें कि कोई चीज़ कॉपी ना हो, आप उसको रोकना चाहते हैं, जिस तरीके से ये नोड का मॉड्यूल है, नोड मॉड्यूल का फोल्डर है, मैं कहता हूँ कि यार मेरी करंट डायरेक्टरी से कि नोड मॉड्यूल का फोल्डर कॉपी ना हो कंटेनर के अंदर, तो आप ये रखते बता देते हैं इसके अंदर डॉकर इग्नोर की फाइल के अंदर। क्यों, क्योंकि हम डेफिनेटली हम जब कंटेनर में जा रहे हैं और कंटेनर में जब हम कॉपी कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, उस वक्त हम इंस्टॉल कर रहे हैं, तो जब हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो उस वक्त कंटेनर के अंदर इंस्टॉल होकर नोड मॉड्यूल का फोल्डर बना देगा, मैं अपने करंट नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका ये बन जाता है तो फिर ये देखें आपने क्या किया, हमने बनाया डॉकर बिल्ड टैग नोड डॉकर, नोड डॉकर के नाम से हमने इमेज बनाई और ये बन गई। और आपके सिस्टम के अंदर सारी इमेजेस कहाँ पे नज़र आती हैं, डॉकर की, डॉकर इमेजेस के नाम से, ये कमांड है डॉकर इमेजेस आप लिखते हैं। डॉकर यानी एक टूल है जो कि इंस्टॉल होता है आपके सिस्टम में, और उस जैसे गेट स्टेटस गेट लॉग होता है ना, उसी तरीके से डॉकर इमेजेस, इमेजेस करेंगे तो आपके सिस्टम में जितनी भी इमेजेस इंस्टॉल होगी वो आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए नोड डैश डॉकर लेटेस्ट के नाम टैग के साथ आपके सिस्टम में बिल्ड बन गई है। ये कौन सी बिल्ड बनी है, ये आपकी एप्लीकेशन है जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बनाई थी। अब हम टैग करने जा रहे हैं, हम कह रहे हैं यार टैग कर दो डॉकर डैश लेटेस्ट को कॉलन लेटेस्ट को किस नाम से, डॉकर वर्जन 1 के नाम से। तो ये इसी तरीके से आपकी एक इमेज बन गई, कौन से, डॉकर वर्जन 1 के नाम से। अब हम क्या करेंगे, RMI का क्या मतलब है, रिमूव इमेज। अगर आप चाहते हैं कि अपनी कोई इमेज रिमूव करना चाहते हैं तो डॉकर RMI की मदद से इमेज को रिमूव भी कर सकते हैं। ये देखिए डॉकर इमेजेस से पुरानी वाली जो इमेज थी वो रिमूव हो गई और जो लेटेस्ट थी वो मौजूद है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेसिफिक बताया हुआ। अगर आप लेटेस्ट को रिमूव करना चाहते हैं तो v1.0.0 को रिमूव करके यहाँ पे लिखते हैं लेटेस्ट कॉलन लेटेस्ट, तो ये लेटेस्ट वाले को रिमूव कर देगा, ठीक है। अब क्या है, रन योर इमेज एज अ कंटेनर, कंटेनर को रन कैसे करूँ भाई मैं, तो ये देखें ये सिंपल सा तरीका है। इमेज का नाम, आपके सिस्टम में जो इमेज मौजूद है उसका नाम है नोट डैश डॉकर, तो आपने लिखा डॉकर रन दिस, तो ये क्या करेगा, आपके सिस्टम में एप्लीकेशन रन कर देगा, कंटेनर रन कर देगा एक्चुअली उस एप्लीकेशन का। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे पोर्ट 8000 एक्सेस हो रही है, आपने अपनी एप्लीकेशन पोर्ट 8000 के ऊपर वो की हुई है, रन की थी। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी कि जैसे मैंने कहा था कि कंटेनर जो है वो आइसोलेट होता है ना, पूरा आइसोलेट है, तो इसके बाहर वाले को नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, इसके अंदर क्या मौजूद है। तो जब तक मैं कंटेनर को रन करके बताऊंगा नहीं कि यार मुझे 8000 पोर्ट एक्सपोज करनी है, यानी पोर्ट बाइंडिंग में जब तक नहीं बताऊंगा, जब तक आप उस कंटेनर के अंदर से किसी भी पोर्ट को एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बताने का क्या तरीका है, जब आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर आप रन करने जाते हैं, जिस तरीके से मैंने बताया था आपको MySQL, MySQL में -p यूज़ कर लें या तो -minus publish यूज़ कर लें, बात एक ही है। अब आपकी पोर्ट कौन सी है,
आपने अपना सिस्टम के अंदर जो आपने अपनी एप्लीकेशन बनाई थी वो कौन सी पोर्ट पे चल रही है? 8000 पोर्ट के ऊपर चल रही है, और आपके सिस्टम में भी 8000 पोर्ट के ऊपर मैंने इसको बाइंड कर दिया। अब ये क्या हुआ, डॉकर का कंटेनर चलेगा, बाइंड करेगा 8000 को 8000 पोर्ट से, कंटेनर की पोर्ट को बाइंड करेगा होस्ट की पोर्ट से, और ये वाली इमेज को रन कर देगा। अब देखें, अब इसको मैं एक्सेस करने जाऊंगा तो ये एक्सेसिबल होगी। ठीक है, यहाँ पे देखें ये एरर दे रहा था, फेल टू कनेक्ट लोकल होस्ट पोर्ट 8000, कनेक्शन रिफ्यूज। जबकि जब मैंने पब्लिश कर ली, पोर्ट बाइंडिंग कर ली, तो पोर्ट बाइंडिंग के बाद अब ये मैं सक्सेसफुली इसको एक्सेस कर सकता हूँ। यानी आप अपनी एप्लीकेशन को सक्सेसफुली एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, अब ये एक सवाल है, ये हमने 8000 से 8000 बाइंड किया, क्या मैं अपनी जो अपना कंटेनर है उसके मल्टीपल पोर्ट्स के ऊपर कंटेनर रन कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। जिस तरीके से ये है, मैंने इसको कॉपी किया और एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ और पेस्ट करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि यार ये 8001 पे चले या 8000 पे चल जाए, भले इसको वन कर देते हैं, इसको सॉरी। तो ये देखें, डॉकर मल्टीपल कंटेनर्स हमने रन किए, लेकिन पोर्ट बाइंडिंग अलग अलग कर दी। तो आपकी एक ही एप्लीकेशन 3 दफ़ा चल रही है, लेकिन डिफरेंट पोर्ट्स के ऊपर चल रही है। ठीक है, ये इसकी ब्यूटी है। जब आप डॉकर पीएस करेंगे तो जो रनिंग प्रोसेसेस होते हैं, पीएस का मतलब प्रोसेस, तो डॉकर के जो रनिंग प्रोसेसेस हैं वो आपके सामने शो हो जाएंगे। जिस तरीके से आपकी ये वाली एप्लीकेशन चल रही है, तो ये डॉकर प्रोसेस के अंदर आपको शो हो। ठीक है, अब जब ये स्टार्ट हो गया, तो आपको अगर स्टॉप करना हो तो आप कंटेनर आईडी से स्टॉप कर सकते हैं। तो आप जब भी डॉकर पीएस करेंगे तो आपकी रनिंग एप्लीकेशन की कंटेनर आईडी आपको नजर आ रही होगी, तो आप करेंगे डॉकर स्टॉप कंटेनर आईडी। कंटेनर आईडी भी कर सकते हैं, या तो फिर आप डॉकर स्टॉप, जो आपने इमेज का नाम बताया था कौन सी, नोड डैश डॉकर, नहीं सॉरी, अभी नोड डैश डॉकर नहीं आएगा, क्योंकि ये तो इमेज का नाम है। यहाँ पे जो नेम हम डिफाइन करेंगे ना, वो आ सकता है कंटेनर का। अभी हमने कंटेनर का नेम डिफाइन नहीं किया हुआ, तो इसलिए आपको क्या देना पड़ेगा, कंटेनर आईडी दे दे तो ज़्यादा बेहतर है, वरना तो वो डिफॉल्ट नेम भी लेके आ जाता है। लेकिन अभी हम कहते हैं कंटेनर आईडी टू बी स्पेसिफिक। ठीक है, तो ये आपके सारे पुराने कंटेनर्स देखने हो जो कि चल के बंद हो चुके हैं, क्योंकि डॉकर पीएस के अंदर सारे एक्टिव कंटेनर्स नजर आते हैं, और माइनस ए या माइनस माइनस ऑल के साथ जो स्टॉप कंटेनर्स है वो भी नजर आते हैं। तो ये तरीका है। फिर इसको रीस्टार्ट करना चाहे तो आप आईडी देके रीस्टार्ट करवा सकते हैं, या नाम देके रीस्टार्ट करवा सकते हैं। ठीक है, होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं होगा। जैसे ये रहा नेम, देखें अगर मैं नेम दूंगा तो क्या करेगा, ये स्पेसिफिक इस नेम से कंटेनर बनाएगा। आईडी तो मौजूद होगी कंटेनर आईडी, लेकिन नेम स्पेसिफिक इस नेम से बनाएगा। तो आप रिमेम्बर कर सकते हैं कि मेरी मेरे कंटेनर का स्पेसिफिक नेम क्या मौजूद है। अच्छा जी, तो अब मैं डॉकर से रिलेटेड ये चीज़ें थी, तो हमने कंटेनर बनाया। अब इसके साथ होता क्या है, जब आप कंटेनर बनाते हैं तो फिर इस कंटेनर को हम किसी भी सर्वर के ऊपर मूव कर सकते हैं फॉर डिप्लॉयमेंट। तो फिर इससे जो आपकी डिपेंडेंसीज वाली जो चीज़ें थी कि ये होना चाहिए सर्वर पे, ये होना चाहिए, उन चीज़ों से आप बाहर निकल गए, और ये वाला सर्वर मोस्टली हमारे सारे सर्वर लिनक्स के ऊपर होते हैं। तो जो ये कंटेनर बनता है, ये लिनक्स की कर्नल के ऊपर ही बने हुए होते हैं इमेजेस या कंटेनर्स। हम इसको यूजुअली किसी भी सर्वर के ऊपर मूव करवा सकते हैं। लेट्स अभी आपका AWS पे, अब आप कहते हैं यार AWS पे नहीं, मुझे गूगल क्लाउड पे जाना है, तो आपके ये कंटेनर ही मौजूद हैं, आप ये कंटेनर डायरेक्ट शिफ्ट कर दें, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजीली, बहुत सेफ एंड साउंड, आप एक जगह से सॉरी दूसरी जगह डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने कुछ चीज़ें देखी थी फ्लटर के हवाले से, कि हमने एप्लीकेशंस बनाई थी, और एप्लीकेशंस बनाने के सर्वर साइट को बना के हमने अपनी फ्लटर की एप्लीकेशन के अंदर उसको यूज़ करके देखा था APIs। तो आज हम यही करने जा रहे हैं, लेकिन एक नए मेथड्स के थ्रू करके देखेंगे इसको। अब DevOps के अंदर फिर हमने यही सारी चीज़ें, अब जो हम कंटेनर है वो यूजुअली आप बनाएंगे किसके ऊपर, डॉकर के ऊपर। ठीक है, और अगर आप कोशिश करें जो हमने आज क्लास में डिस्कस किया उसके स्टेप्स फॉलो करें, डॉकर अप के ऊपर ऑलरेडी मौजूद है, तो इस डॉकर अप के ऊपर आप अपने सर्वर से डॉकर बना सकते हैं, डॉकर का इमेज और कंटेनर बना सकते हैं। जब हम सारी चीज़ें कर लेते हैं तो उसके बाद वही वाली बात है, हाउ टू डिप्लॉय।
ये देखिए ये मंगो डीबी हम रन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जिस तरीके से पोर्ट बाइंडिंग्स होती हैं आपके पास माइनस पी के साथ, इस तरीके से वॉल्यूम माउंटिंग भी होती है, वॉल्यूम बाइंडिंग भी होती है। ये आप देखिएगा वॉल्यूम बाइंडिंग्स क्या है, ठीक है, ये अभी मैं डिस्कस नहीं करने जा रहा। अच्छा तो अब हम चलते हैं एपीआई इंटीग्रेशन विद फ्लटर की तरफ, ठीक है। तो अब क्या होगा, आपकी कंटेनर की एप्लीकेशन होगी, उस कंटेनर की एप्लीकेशन को हम यूज करेंगे किसके साथ, फ्लटर की एप्लीकेशन के साथ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मेरे सिस्टम में डॉकर इंस्टॉल नहीं है, क्योंकि ये लेटेस्ट लैपटॉप है M1, तो उसके साथ डॉकर की थोड़ी कंपेटिबिलिटी का इश्यूज आए हुए हैं, तो अभी मैं इसको यूज़ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। लेकिन मैं अपने सिस्टम पे जो आप एक नोट की एप्लीकेशन का सर्वर है उसको रन करता हूँ और उसको एक्सेस करके देखता हूँ फ्लटर की एप्लीकेशन के साथ। तो मैं वापस से मोहम्मद अली साहब की तरफ फॉरवर्ड करता हूँ, वो आते हैं और फिर जिस तरीके से आगे इसको फॉलो करना है फिर हम देखते हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जो है ना डॉकर यूज़ करना स्टार्ट करें, बहुत ज़बरदस्त टूल है और इससे डेवलपमेंट बहुत इजी हो जाती है, क्योंकि एक दफ़ा आपने सेटअप किया आपके टीम मेंबर्स को वो सारे सेटअप्स करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोशिश ज़रूर कीजिएगा। चलें मैं मोहम्मद अली साहब की तरफ वापस फॉरवर्ड करता हूँ, थैंक यू। ओके क्लास, तो यूसुफ भाई ने आप लोगों को डेवऑप्स पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें समझाई, ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और यकीनी तौर पे आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी और आप इसका बाकायदगी से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो हमने आपसे बात की थी कि ऑब्वियसली हम फ्लटर के साथ इंटीग्रेशन आपको सिखाएंगे, तो यूसुफ भाई इज़ ऑल्सो लाइक ऑब्वियसली वन ऑफ द ग्रेट पर्सनैलिटी एंड द मेंटोर अवेलेबल इन दिस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, जिन्होंने आप लोगों को सिखाया, समझाया, पढ़ाया और यकीनी तौर पे आप लोगों के लिए मीनिंगफुल रहा इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कटिंग एज टेक्नोलॉजी। माइक्रो सर्विसेज और डॉकर के थ्रू आप मज़ीद क्यूबिनिटीज वगैरह भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, और ऑब्वियसली डेवऑप्स में AWS सर्विसेज बेशुमार चीज़ें हैं। तो अब हम फ्लटर के साथ इसको इंटीग्रेट करना समझते हैं, उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट डेवलपर ऑफ फ्लटर अवेलेबल इन द मार्केट वो भी हमारे दरमियान में मौजूद है। ही इज़ वर्किंग एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन मिकाइल्स एंड ऑल्सो हैविंग हिज ओन इनिशिएटिव एंड वर्किंग एज अ चीफ टेक्निकल ऑफिसर ओवर देयर। तो हमारे दरमियान में इसहाक हसन मौजूद है, ही हैज़ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ, इन्होंने स्टार्ट, आई स्टिल रिमेंबर के जावा एंड्रॉयड से इन्होंने काम शुरू किया था, देन ही स्विच हिमसेल्फ टूवर्ड्स द रिएक्ट नेटिव एंड आज फ्लटर बेस्ड टेक्नोलॉजी में ये अपना मेजर रोल प्ले कर रहे हैं एंड ही इज़ लाइक डूइंग मार्वलस इन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। सो आई वुड लाइक टू वेलकम सर इसहाक हसन के आए और लेट जस्ट गिव अ क्विक इंट्रोडक्शन विद द डेवऑप्स, क्योंकि आज की क्लास हमारी इससे रिलेटेड है, अपने अपने एंड से जो उनकी एक्सप्लेनेशन है वो करें एंड देन लेट्स इंटीग्रेट द फ्लटर ऐप। फ्लटर के हवाले से भी आपको यकीनी तौर पे कुछ बेहतर बता पाएंगे, सिखा पाएंगे। तो लेट्स वेलकम सर इसहाक हसन एंड लेट्स लर्न फ्रॉम हिम, ही हैज़ अराइव्ड टू द जवान पाकिस्तान। यूसुफ भाई एक दफ़ा पहले भी ऑनलाइन ट्रेनिंग में आ चुके हैं, सो इसहाक हैज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कमिंग अप to the platform of Jawan Pakistan in terms of building the nation. So let's welcome Sir Ishaq Hasan. Okay, Assalamu alaikum. तो जिस तरह सर ने जो है मेरा इंट्रोडक्शन बताया आप लोगों को, तो उसी को मैं थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करता हूँ कि हम लोग आज स्पेसिफिकली यहाँ पे DevOps के लिए हैं, ठीक है। तो DevOps से रिलेटेड जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ वो मैं आप लोगों को दिखा। तो हम लोग जो है मूव ऑन करते हैं गिटहब की तरफ दोबारा। इस तरह यूसुफ भाई ने आप लोगों को बताया था कि गिटहब एक्शंस जो है आपके पास एक मेजर रोल प्ले करते हैं अगर आप खुद से जो है वो डेवऑप्स वाली चीज़ें हैंडल करना चाहते हैं, ठीक है।
तो इसमें है ये बेसिकली कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अपनी एक रेपो, ठीक है, जिसके अंदर मैंने ये सब चीज़ें ऑलरेडी कॉन्फ़िगर की हुई थी एक क्लाइंट के लिए, बट ऑब्वियसली अब वो सारा प्रोजेक्ट एंड हो चुका है तो मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ, वरना उसके बीच में दिखाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को रेपो के ऊपर लेके चलता हूँ, और ये बेसिकली वो रेपो थी, ठीक है। अच्छा, अब इस रेपो के अंदर मैं आपको बेसिकली ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि बेसिकली व्यू जेएस के ऊपर बनी हुई है। आप लोग शायद फेमिलियर हो व्यू जेएस के साथ, अगर नहीं भी है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। जिस तरीके से हमारे पास रिएक्ट जेएस है, एंगुलर है, उसी तरीके से हमारे पास व्यू जेएस भी अवेलेबल है एज अ फ्रंट एंड लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क आप उसको कह सकते हैं। और उसके अंदर आप बेसिकली होता ये कि आप अपनी सिंगल पेज एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को ये भी चीज़ मेंशन यहाँ पे करना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ व्यू जेएस के साथ ये कर सकते हैं या एंगुलर के साथ ये कर सकते हैं या रिएक्ट के साथ ये कर सकते हैं। आप इवन पीएचपी के साथ और बाकी दूसरी सर्वर साइड लैंग्वेजेस के साथ और प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ये कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको एक और रेपो की तरफ लेके चलता हूँ। अच्छा, ये सारी रेपोज अगर आप यूआरएल इसका एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो होगी नहीं, क्योंकि प्राइवेट है, ठीक है, तो सिर्फ सीखने की हद तक देखिएगा, ठीक है। अच्छा, मैं जावास्क्रिप्ट वाली के ऊपर पहले आता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर आइडिया हो जाए। तो जैसे कि हमारे पास एक नॉर्मल पैकेज डॉट जेसॉन की फाइल होती है, सब चीज़ें होती हैं वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। बिल्ड एक हमारा दो तरीके की बिल्ड यहाँ पे बन सकती हैं, एक हमारी डेव बिल्ड होती है जो कि हम नॉर्मली जब एनपीएम स्टार्ट करते हैं तो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, और एक हमारी प्रोडक्शन बिल्ड होती है जो हम फाइनली सर्वर के ऊपर अपलोड करते हैं। तो अब होता ही है कि नॉर्मली हमारे पास जो सर्वर्स होते हैं अवेलेबल, अगर मैं आपको लेके चलूँ तो फॉर एग्जांपल हम जाते हैं डिजिटल ओशन पे, ठीक है, तो डिजिटल ओशन, हैरोक्यू हो गया, इस तरह की जो सर्विसेज होती हैं वहाँ पे आपको एसएसएच एक्सेस मिलता है, ठीक है। एसएसएच एक्सेस क्या होता है, बेसिकली आपको एक आप एक कह सकते हैं कि वर्चुअल सर्वर जो है वो एलोकेट किया जाता है, हो सकता है वो वर्चुअल हो सकता है वो डेडिकेटेड हो, डिपेंड्स ऑन योर सिनेरियो के आपने क्या चीज़ सेलेक्ट की थी सर्वर बनाते हुए और क्या अमाउंट आपने सेलेक्ट की थी उसके हिसाब से। तो अब दोनों ऑप्शंस में खैर एक चीज़ आपके पास अवेलेबल कॉमनली होती है, और इवन अगर आप इन लोगों ने शायद सी पैनल या प्लेस के बारे में भी सुना हुआ हो, जो कि नॉर्मली ज़्यादातर लोग यूज़ कर रहे होते हैं आप पाकिस्तान में, तो उसमें भी आपके पास एसएसएच का एक्सेस अवेलेबल होता है, ठीक है। तो अब होता ये है कि एस एस एच करता ये है बेसिकली कि अगर मैं देखें अपने मैक के अंदर टर्मिनल ऑन करता हूँ तो ये टर्मिनल बेसिकली मेरे मैक का टर्मिनल कहलाता है, जिसके अंदर मैं कोई भी कमांड अगर एग्जीक्यूट करूंगा तो वो बेसिकली मेरे मैक की मशीन के ऊपर एग्जीक्यूट हो रही होगी। अगर मैं लिनक्स पे हूँ तो ऑब्वियसली वहाँ पे भी आपके साथ ये हो रहा होगा, विंडोज पे सीएमडी आप यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो एस एस एच होता है वो क्या करता है कि देखिए सर्वर भी एक मशीन ही होती है, ठीक है, वो आपकी मशीन से एक कमांड लाइन आपके पीसी के ऊपर बेसिकली पोर्ट कर देता है। तो अब आप अपनी मशीन की कमांड लाइन पे जो भी चीज़ एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं उस एसएसएच कनेक्शन को कनेक्ट करने के बाद, तो वो बेसिकली आपके सर्वर पे एग्जीक्यूट कर रहा होता है उन कमांड्स, ठीक है। तो अब जैसे मैं आपको एक कनेक्शन स्टेब्लिश करके दिखाता हूँ यहाँ पे, जो मेरे पास एक ऑलरेडी स्टेब्लिश हुआ हुआ है, ठीक है। तो अब जैसे कि मैं एक ये मेरे पास एलियस बना हुआ है, तो मैं इस सर्वर के अंदर जाके आपको दिखा रहा हूँ। देखें अब अगर मैं देखूँ तो अगर मैं यहाँ से एग्जिट कर रहा हूँ, देखिए मेरे पास नॉर्मली जो टर्मिनल आ रहा है वो आ रहा है ये कि बिल्कुल मैं अपने रूट यूज़र पे हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको जो है वो अपने सर्वर के साथ कनेक्ट करता हूँ, इसकी एक स्पेसिफिक कमांड होती है, आप एसएसएच के बारे में अगर सर्च करेंगे तो थोड़ा सा आपको मिल जाएगा। इसमें जनरली होता ये है कि कुछ इस तरह की कम, अब देखिए मैंने जब अपने सर्वर को कनेक्ट कर लिया है तो मेरे सर्वर का रूट यहाँ पे शो हो रहा है मुझे। अब मैं जो भी फाइल्स ब्राउज कर रहा हूँ मेरे सर्वर के अंदर रखी हुई है इस वक्त, सही है, आप देख सकते हैं कि सारी फाइल्स जो है वो सर्वर से आ रही है और सर्वर पे मैं बेसिकली सी पैनल ही यूज कर रहा हूँ, जिससे मैं आपको अभी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अब जो है मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं तो एसएसएच की कमांड्स कुछ इस तरीके से होती हैं कि आप एसएसएच लिखते हैं, सही है, उसके बाद आपके सर्वर की कोई आईपी होती है, फॉर एग्जाम्पल वट एवर 171.22.whatever, सही है, आईपी वर्जन 4 वर्जन 6 जो भी है, वैसे नॉर्मली वर्जन 4 ही होती है आपके पास,
और फिर ऐड के बाद आप लगाते हैं यहाँ पे अपने सर्वर का यूजर नेम। फॉर एग्जाम्पल आप अगर रूट पे हैं तो आप रूट लिख सकते हैं, आपका जो यूज सर्वर का स्पेसिफाइड यूजर नेम होता है, फिर आपसे वो पासवर्ड मांगते हैं और आप फिर SSH के थ्रू सर्वर में लॉग इन हो जाते हैं, उस वर्चुअल मशीन के अंदर लॉग इन हो जाते। अब होता यह है कि भाई आपने फॉर एग्जाम्पल समझे कि आपके पास ऑब्वियसली पूरी मशीन अवेलेबल है, तो आपने वहाँ पे गिट इंस्टॉल कर दिया, आपने सब चीज़ें इंस्टॉल कर दी। अब आप चाह रहे हैं यार मेरी एक रिपोजिटरी बनी हुई है गिटहब के ऊपर, जैसे हमारे पास ये रेपो बनी हुई है, तो आप ये चाह रहे हैं कि यार मैं इस रेपो को वहाँ पे क्लोन कर लूँ, तो आपने ऑब्वियसली सर्वर भी एक PC ही है, तो आपने वहाँ पे गिट इंस्टॉल किया, आपने वहाँ पे क्लोन कर ली अपनी रेपो अपने क्रेडेंशियल्स वगैरह सेव करने के बाद। अब आप ये चाह रहे हैं कि भाई ऐसा, अब जब भी आप कोई कोड के अंदर चेंज करेंगे आप उसको गिट पे पुश करेंगे, फिर वहां जाके आप पुल करेंगे, या अगर आप SFTP कनेक्ट कर लेते हैं यानी कि SSH फाइल ट्रांसफर अगर आप कनेक्ट कर लेते हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं, बट वो बेटर प्रैक्टिस नहीं, क्योंकि उसमें आप चेंज लॉग्स नहीं देख सकते, आप ये नहीं देख सकते कि आपके कोड में कब चेंजेस आई थी और आपने किस सिनेरियो में सर्वर के ऊपर दोबारा डिप्लॉय करवाया था, क्योंकि नॉर्मली यही होता है कि हम कोई चीज कमिट करते हैं और फिर हम सर्वर के ऊपर डिप्लॉय करते हैं। तो अब मसला ये है कि भाई आप ये करेंगे कैसे, ठीक है कि आपको गिट भी यूज करना है और आपको मैनुअल भी नहीं करना कि आप बार बार यहाँ चेंजेस कर रहे हैं, यहाँ से गिट पे पुश कर रहे हैं, फिर आप SSH कनेक्ट करके जाके वहाँ पे गिट पुल चला रहे हैं फोल्डर के अंदर, तो ये बहुत लंबा काम हो जाएगा आपके लिए, फिर आपको कॉन्फ्लिक्ट भी देखने पड़ेंगे, बहुत सारे मसले आप भी सकते हैं। तो आप ये सारा प्रोसेस ऑटोमेट किस तरीके से करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है। देखें हमारे पास है एक चीज गिटहब एक्शंस, ठीक है गिटहब एक्शन, आप अपनी रेपो के अंदर जाएंगे एक्शंस के अंदर, ठीक है, और एक्शंस के अंदर जब आप जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे वर्क फ्लो का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है आप यहाँ से न्यू वर्क फ्लो भी बना सकते हैं, और इवन अगर आप यहाँ पे ये देखें, अगर आप गूगल पे जाते हैं और आप सिंपली जो है लिखते हैं गूगल पे, ओके, तो आप अगर सिंपली यहाँ पे लिखते हैं कि SSH GitHub एक्शंस, तो आपको सिंपल जो है वो गाइड्स मिल जाएंगी यहाँ पे, जो कि गिटहब ने खुद भी प्रोवाइड की हुई है आपको और लोगों ने भी प्रोवाइड की हुई है, तो इन लोग यानी कि लोगों ने पहले से इस तरह के गिटहब एक्शंस के प्लगइन्स बना के रखे। तो अब आप क्या करते हैं कि आप उनकी वर्क फ्लो की फाइल यूज करते हैं, देखें जैसे इन्होंने आप बताया हुआ है कि भाई आप जो है वो बता सकते हो कि आपको किस तरीके से डिप्लॉय करवाना है, तो आप जैसे ये एक वर्क फ्लो की फाइल है, क्योंकि जाहिर सी बात है गिटहब एक्शंस को आप किस तरीके से बताएंगे, ये कहाँ आपका सर्वर रखा हुआ है, किस कोड को आप सर्वर पर डिप्लॉय करना चाहते हैं और क्या कमांड्स एग्जीक्यूट करनी है वहाँ पर, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें डिफाइन होती है वर्क फ्लो फाइल के अंदर। तो वर्क फ्लो फाइल के अंदर आप बेसिकली गिटहब एक्शंस को पूरा सिनेरियो समझाते हैं कि भाई ये मेरा सर्वर है, यहाँ लॉग इन करना है, ये कमांड्स चलानी है उसके बाद, और फिर मेरा डिप्लॉयमेंट प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए। तो अब होता क्या है कि इस तरीके का लॉग आपके पास जनरेट होता है अगर आपकी डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल हो जाती है, ठीक है, तो ये सिनेरियो है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आप लोग जो है किस तरीके से अपना खुद का गिटहब एक्शन कॉन्फिगर कर सकते हैं, अगर आप कोई जावास्क्रिप्ट की या किसी भी तरीके की एप्लीकेशन बना रहे हैं और आपका पास उसका सर्वर अवेलेबल है, तो आप अपने सर्वर पर सिंपली गिट इंस्टॉल कर दें, अगर अवेलेबल नहीं है, वैसे नॉर्मली होता है, अगर नहीं है तो आप गिट इंस्टॉल कर दें, अपनी रेपो एक बार वहाँ पे फर्स्ट टाइम के लिए क्लोन कर लें। फर्स्ट टाइम क्लोन करने के बाद क्या होगा कि आपकी रेपो के सारे क्रेडेंशियल्स वगैरह सब चीज़ें वहाँ पे आप वहाँ पे सॉल्व कर चुके होंगे। अब ये होगा कि उसके बाद जितनी भी आपकी डिप्लॉयमेंट्स होंगी उसके लिए आप ये करेंगे कि अपनी रेपो में आएंगे, जैसे मैं इसके कोड में आ जाता हूँ गिटहब, ये देखें मेरे पास एक फोल्डर है डॉट गिटहब के नाम से और स्लैश वर्क फ्लोज के नाम से, उसके अंदर एक और फोल्डर है सब फोल्डर, तो ये पैटर्न रखना इंपॉर्टेंट है, गिटहब एक्शंस ये पैटर्न फॉलो करता है, ठीक है, तो अगर आप ये पैटर्न नहीं रखेंगे तो आपकी फाइल वर्क नहीं करेगी। तो आपने डॉट गिटहब स्लैश वर्क फ्लोज के अंदर अपने सारे वर्क फ्लोज बनाने, मल्टीपल भी हो सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी मैंने यहाँ किस तरह बनाया है मल्टीपल, तो आप जैसे मैं इस फोल्डर के अंदर माइग्रेट करता हूँ, ठीक है, बाकी मेरा प्रोजेक्ट नॉर्मल रखा हुआ है, इस प्रोजेक्ट में माइग्रेट कर रहा हूँ तो मेरे पास दो गिटहब एक्शंस यहाँ पे रखे, एक डेव एक प्रॉड। अच्छा हो सकता था मैं एक फाइल में भी कर लेता बट मैंने इसको अलग फाइल में ही रखा क्योंकि कॉन्फिग्रेशन के काफी सारे डिफरेंसेज हैं, तो कंडीशन लगाना बहुत ज्यादा मुसीबत। तो अब हम फिलहाल डेव वाला देखते हैं। अब देखिए मेरे पास जो है ना ब्रांचेज हैं, यहाँ अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास एक डेव की ब्रांच है, हॉटफिक्स की ब्रांच है और भी बहुत सारी ब्रांचेज यहाँ पे होंगी, तो फिलहाल मैं दो ब्रांचेस को टारगेट कर रहा हूँ वर्क फ्लोज के अंदर, एक मास्टर है जो मेरी प्रोडक्शन की ब्रांच है और एक डेव ब्रांच है जो मेरी डेवलपमेंट वाली ब्रांच है। तो अब अगर हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ देखते हैं तो आप ये देखें मेरे पास हमारे वर्क फ्लो का नेम रखा हुआ है CI डेव, सही है, और CI मीन्स कंटिन्यूस इंटीग्रेशन मैंने इसका
दिमाग में सोच के रखा हुआ था, आप इसका जो भी नाम चाहिए रख सकते हैं। स्पेसेस जनरली आपको अवॉइड करने होते हैं यहाँ पे ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स ना आए। अच्छा, उसके बाद आप नीचे आते हैं तो आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि आप किस ब्रांच के पुश के ऊपर ये करना चाहते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे डिफाइन किया कि भाई मैं डेव ब्रांच में जब भी कोई कोड पुश होगा तो मैं डिप्लॉयमेंट चलाना चाहता हूँ। तो ये अब कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि भाई ये सारी प्लगइन की कॉन्फ़िगरेशन थी यहाँ तक, ये तो आपको टेम्पलेट मिल जाएगा इजीली, कोई मसला। मैंने आपको अभी दिखाया भी कि कैसे आप जो है वो प्लगइन यूज़ कर सकते हैं, ये सेम वही वाला प्लगइन है। अब आप नीचे आएंगे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन मेंशन हुई भी है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि SSH कनेक्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको चाहिए होता है SSH, आपके सर्वर की IP, व्हाटएवर जो IP है आपकी, एट द रेट के बाद आपके सर्वर का यूजर नेम जो आपको SSH एक्सेस करना अलाउ करता हो। तो अब फॉर एग्जाम्पल समझे कि मेरे पास एक यूजर नेम रखा हुआ है, एक सर्वर की IP है, सर्वर का पासवर्ड है और मेरे पास उस फोल्डर का पाथ है जहाँ पे मेरी एप्लीकेशन डिप्लॉय होनी है। अब वो क्या गया कि आपने पहली बार पुल कर लिया, सब कुछ सेटअप कर दिया, आपके सर्वर के ऊपर सब कुछ चल रहा है परफेक्टली फाइन है। अब आपने कोड में चेंजेस करे, आपने ये वर्कफ्लो की फाइल बनाई, इसमें आपको सीक्रेट स्पेसिफाई करने। अच्छा, सीक्रेट स्पेसिफाई करने का मकसद ये है, आप यहाँ पे स्ट्रिंग्स भी लिख सकते हैं, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे स्ट्रिंग्स लिखे हुए हैं हमारे पास ऑलरेडी, ऐसे आप यहाँ पे भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं। बट ये इनसिक्योर वे है क्योंकि अगर कल को आप किसी को अपनी रेपो देंगे तो वो आपके सर्वर की क्रेडेंशियल्स भी ले चुका होगा, जो कि सही बात नहीं है। तो अब होता ये है कि जनरली आप यहाँ पे सीक्रेट्स यूज करते हैं। सीक्रेट्स क्या होते हैं, आप अपनी रिपोजिटरी की सेटिंग्स के अंदर जाएंगे तो आपको दिखेगा सबसे सेकंड लास्ट ऑप्शन है बल्कि ये सीक्रेट्स का। इन सीक्रेट्स के अंदर जब आप आएंगे तो आपको दिखेगा आपके जो भी आपने सीक्रेट बनाए हुए होंगे, ऑब्वियसली कोई नई बनाए हुए होंगे, नई शो हो रहे होंगे। आपने यहाँ पे न्यू रिपोजिटरी सीक्रेट पे क्लिक करना है और आपने अपनी की स्पेसिफाई करनी है सीक्रेट की और एक वैल्यू दे देनी, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा सर्वर यूजर नेम एंड यहाँ पे आपने यूजर नेम लिख दिया फॉर एग्जाम्पल रूट, यूजर नेम नॉर्मली स्मॉल में होते हैं इस तरह, सही है ना। तो आप ये सीक्रेट ऐड कर देंगे। अच्छा, सीक्रेट से ज्यादा एक प्रॉब्लम ये होती है कि एडिटेबल और व्यूएबल नहीं होते ये। अगर आपने एक बार सीक्रेट ऐड कर दिया तो आप उसमें चेंजेस नहीं, उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं सॉरी, लेकिन आप उसको व्यू नहीं कर सकते, यानी कि आप ये नहीं देख सकते कि आपने उसमें अभी क्या वैल्यू सेट की हुई है, ये सिक्योरिटी रीजंस की वजह से रखा। ठीक है, तो आपको अगर ऐसा कोई काम करना होगा तो फिर आप सिर्फ उसको अपडेट कर देंगे अपने सीक्रेट को, जैसे अपडेट के बटन यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे ऑलरेडी, ये रहे अपडेट का बटन शो। ठीक है, अच्छा वापस से हम वर्कफ्लो के ऊपर आते हैं अपने। तो हमने सीक्रेट्स भाई कॉन्फिगर कर दिए अपने और वो सीक्रेट्स हमने यहाँ पे यूज कर लिए इस सिंटैक्स के साथ, डॉलर डबल करली ब्रैकेट उसके अंदर आपने सीक्रेट की लिख देंगे, सीक्रेट्स डॉट की। ठीक है, ये आ गए आपके सारे सीक्रेट्स। उसके बाद आता है एक स्क्रिप्ट का पाथ। अच्छा, स्क्रिप्ट का जो पाथ कह रहा हूँ सॉरी कमांड, उस कमांड के अंदर आप मल्टीपल कमांड ज्वाइन कर सकते हैं एंड लगा के, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे की हुई है कि आपने पहले उसको बोला कि CD आपके फोल्डर का पाथ, यानी कि पहले देखें पहला प्रोसेस किया कि उसने आपके होस्ट को एक्सेस किया, उसको यूजर नेम दिया, उसको पासवर्ड दिया, SSH आपका लॉगिन हो गया इंटरनली GitHub एक्शंस के अंदर। और ये कब होगा, जैसे ही आप डेव ब्रांच के ऊपर कोई कोड पुश करेंगे, ये यहाँ कॉन्फिगर हुआ। आप किसी भी ब्रांच के ऊपर पुश करेंगे ये नहीं एक्टिवेट होगा, अगर आपने पुल रिक्वेस्ट भी डेव ब्रांच के ऊपर मर्ज कर दी तो भी ये एक्टिवेट हो जाएगा। यानी कि आपने फॉर एग्जाम्पल एक हॉटफिक्स की ब्रांच निकाली थी, आपने उस पर काम कर दिया, अब आपने डेव ब्रांच में उसको मर्ज कर दिया, तो डेव ब्रांच में मर्ज करते ही ये ट्रिगर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब होगा क्या, जैसे ही ट्रिगर होगा ये आपके सर्वर की IP यूज करेगा, यूजर नेम पासवर्ड देगा और लॉग इन हो जाएगा। जब लॉग इन हो जाएगा सक्सेसफुली तो ये नीचे आएगा, ये कमांड एग्जीक्यूट करेगा। ये कमांड क्या कर रही है, पहले आपको उस फोल्डर के अंदर लेके जा रही है, सही है, ये आपने चेंज डायरेक्टरी की कमांड दी। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखा गेट चेकआउट मेंबर्स डॉट, ये मैंने एहतियातन लिखा, इन केस अगर आपने सर्वर के ऊपर जाके कोई ऐसी ट्रैक फाइल जो कि GitHub ऑलरेडी ट्रैक कर रहा था, वो सॉरी गिट आपका ऑलरेडी ट्रैक कर रहा था, उसको आपने अगर चेंज कर दिया है सर्वर के ऊपर ऑनलाइन, तो वो चीज़ें इग्नोर हो जाएं ताकि आपके पास कॉन्फ्लिक्ट ना, वरना आपको क्या बोलेगा कि भाई अपने पहले चेंजेस कमिट करो फिर आप उसको मर्ज कर सकते हो अपने कोड को, तो आपका फिर डिप्लॉयमेंट कंप्लीट नहीं होगी। तो इसलिए मैंने ये एहतियातन कमांड लिख दी यहाँ पे कि अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है तो वो उसको इग्नोर कर दें। उसके बाद आगे चलते हैं, हमने यहाँ पे लिखा गेट पुल ओरिजिन डेव, यानी कि मेरी डेव ब्रांच से सारा कोड पुल कर लो। उसके बाद मैंने फाइनली इसको बोला कि आप यार्न चला दो, कोई न्यू डिपेंडेंसी अगर मैंने डाली होगी तो मैं यार्न के थ्रू इंस्टॉल कर लूंगा, आप npm भी ले सकते हैं, यहाँ पे कोई मसले वाली बात नहीं, आपके सर्वर पे अवेलेबल होना चाहिए। और उसके बाद फिर लास्ट में हमने दे दिया यार्न रन बिल्ड डेव, सही है, ये मेरी बिल्ड डेव का बेसिकली स्क्रिप्ट लिखा हुआ है मेरे package.json के अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो बिल्ड डेव का स्क्रिप्ट बेसिकली एग्जीक्यूट होगा
और मेरी प्रोडक्शन बिल्ड भी सर्वर के ऊपर ही बन जाए, मुझे इवन उसको अपने मशीन पे बनाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप मशीन पे बनाना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिंपली यहाँ पे ये वाली कमांड रिमूव कर देंगे और आपके बिल्ड के फोल्डर का पाथ स्पेसिफाई कर देंगे प्रोजेक्ट पाथ के अगेंस्ट, सिंपल। सही है ना? तो मतलब जो नॉर्मली आप कमांड लाइन पे कमांड लिखते हैं वही आपने यहाँ पे लिखनी है, सिंपल, कोई स्पेसिफिक चीजें नहीं है यहाँ पे। बस फर्क ये है कि आप इसको एक एक्शन में लिख रहे हैं तो ये ऑटोमेटेड प्रोसेस है, आपको मैनुअल एग्जीक्यूट नहीं करना। अब जब ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है, अच्छा दूसरी फाइल में मैं आपको दिखा देता हूँ जो मेरी प्रॉड वाली फाइल है उसमें क्या हो रहा है, ठीक है। प्रॉड वाली फाइल के अंदर अगर आप देखेंगे तो देखें हमारा सारा बस सारा का सारा सिनेरियो हमारा सेम है, बस दो फर्क है, हम ओरिजिन मास्टर से पुल कर रहे हैं और हमने ब्रांचेस के अंदर मास्टर स्पेसिफाई किया हुआ है कि मास्टर के ऊपर पुल रिक्वेस्ट मर्ज होने पे या कोई भी अपडेशन होने पे ये वाली एक्शन मेरा ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा इस नेम के साथ। अब अगर मैं एक्शंस के टैब में आता हूँ दोबारा तो आप देखेंगे मेरे बहुत सारे एक्शंस यहाँ पे एग्जीक्यूट हुए हैं मल्टीपल ब्रांचेस के ऊपर। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे डेव का मैंने एक एक्शन बनाया हुआ था, तो मेरा डेव वाला एक्शन देखिए यहाँ से एग्जीक्यूट हुआ है, मैंने ये कमिट लिख के, अच्छा कमिट पे ज़्यादा गौर मत कीजिएगा, ये कमिट बहुत क्विकली किए हुए तो बहुत अजीब अजीब चीज़ें भी हो सकती हैं इसके। तो मास्टर के कमिट्स भी हैं और ये कमिट्स भी, अच्छा इसके अगर आपको लॉग्स भी देखना है इवन कि सर्वर से कोई एरर जनरेट तो नहीं हुआ, सर्वर ने क्या रिस्पॉन्स दिया था वो भी आप देख सकते हैं। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप इसके अंदर जाएंगे और यहाँ आपको जो है इसका पूरा प्रोसेस दिख जाएगा, दिख जाएगा लॉग्स फॉर दिस, अच्छा एक्सपायर हो गया, सही है। अगर आपका बिल्कुल फ्रेश लॉग होगा तो वो दिख जाएगा, ऑब्वियसली ये लॉग एक्सपायर हो गया क्योंकि ज़्यादा टाइम के लिए तो आपने यूज़ नहीं करना होता इसको। तो जब आपने लॉग्स देखने हो, आपका डिप्लॉयमेंट चल रही हो, आप उसी वक्त डिप्लॉय के ऊपर आइए क्लिक करेंगे और आपके लॉग्स आपको शो हो जाएंगे। अच्छा जब आप एक्शन फायर करते हैं ना तो मैं अभी आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि ये सर्वर जिसके साथ अटैच हुआ है, इस एप्लीकेशन के साथ जो सर्वर अटैच है वो अभी लाइव नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता कि जब आप डिप्लॉयमेंट करते हैं, जब कोई ब्रांच ट्रिगर होती है आपकी, आपके कोई एक्शन ट्रिगर होता है तो उस पर क्या होता है कि यहाँ पे एक और टास्क ऐड होता है ऑटोमेटिकली, आपको रिफ्रेश करने की भी जरूरत नहीं है, उसके ऊपर येलो मार्क आ रहा होता है, जिस तरह आप सिग्नल पे येलो मार्क देखते हैं जब आप बिल्कुल अपने बेसिकली डिप्लॉयमेंट प्रोसेस को तैयार कर रहे होते हैं डिप्लॉय करने के लिए, तो वो येलो मार्क आ रहा होता है। उसके बाद जब एक्शन आपका बिल्कुल रेडी होता है डिप्लॉय करने के लिए तो फिर वो येलो मार्क जो है वो रोटेट करना स्टार्ट करता है और आपकी डिप्लॉयमेंट स्टार्ट होती है। उस टाइम अगर आप लॉग्स देखेंगे तो आपके लॉग्स ऑटोमेटिकली अपडेट भी हो रहे होंगे, जिस तरह हमारे शेल के ऊपर हो रहे होंगे। उसके बाद जब आपकी डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाएगी या फेल हो जाएगी, उसके अगेंस्ट में क्रॉस या चेक का साइन आपको शो हो जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो मेरी बहुत सारी डिप्लॉयमेंट फेल भी हुई हैं, और फेल तो अच्छी बात होती है, देखें ये डिप्लॉयमेंट मेरी फेल हो गई थी तो उसके अगेंस्ट में फिर मैंने दोबारा से डिप्लॉयमेंट की थी। जब डिप्लॉयमेंट फेल हो जाती है तो क्रॉस आता है, कंप्लीट हो जाती है तो चेक आता है, सही है, सिंपल इज डेट। और जो आपकी ब्रांच डिप्लॉय हो रही होगी वो आपको यहाँ शो हो जाएगी, सिंपल, ठीक है। तो देखिए मल्टीपल मेरे डिप्लॉयमेंट फेल्स भी हैं यहाँ, तो ये हो जाता है। अच्छा आपको फेल भी देखना है तो आप वही करेंगे, आप डिप्लॉय के ऊपर क्लिक करेंगे, जाके लॉग्स चेक करेंगे, लॉग्स में आपको एरर मिल जाएगा, उस एरर के अकॉर्डिंग जो भी सॉल्यूशन होगा वो आप कर लेंगे और आपका काम हो जाएगा, ठीक है, सही हो गया। अच्छा तो अब आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों को क्लियर है यहाँ तक? देखें टोकन वाला सिनेरियो यहाँ पे नहीं चल रहा, यहाँ पे आपको यूजर नेम पासवर्ड से ही लॉगिन करना पड़ेगा। आप टोकन की जो बात कर रहे हैं वो टोकन जो है बेसिकली क्या करता है कि आपके पास जो SSH का यूजर नेम डालने का जो ऑप्शन होता है वो तो आपने सेम ही रखना होता है, लेकिन जो पासवर्ड होता है ना उस पासवर्ड की जगह आप सिंपल क्या करते हैं कि आप टोकन जनरेट कर लेते हैं, वो टोकन आपके SSH की कॉन्फ़िगरेशन में आपकी लोकल मशीन पे सेव हो जाता है और की आपकी बाइंड हो जाती है, ठीक है। जैसे आपकी की बाइंड हो जाती है तो फिर आपको पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं होती। बट ये जो है ये हमारा क्विक डिप्लॉयमेंट प्रोसेस है और ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ऑटोमेटेड है, तो हमें इसके अंदर टोकन वाला सिनेरियो नहीं करना, हमें इसमें मैनुअल लॉगिन ही करना है यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू, ठीक है। तो ये मैंने आपके क्वेश्चन के ऊपर आंसर दिया। बिल्कुल, इसके इंस्ट्रक्शन आपको ऑलरेडी आपके जो सर्विस प्रोवाइडर होगा वहां पे मिल जाएंगे। नहीं, गिटहब एक्शन सिर्फ रिएक्ट पे नहीं होता, सब पे होता है, सारे प्लेटफॉर्म से मिलेगा। मैंने PHP पे डिप्लॉयमेंट की है, इससे जावा के ऊपर भी की है, जावास्क्रिप्ट पे भी की है, सब पे चलता है।
क्योंकि ये तो जनरल प्रोसेस है, आप जैसे चाहे यूज कर। ठीक है, मेरे ख्याल से और कोई मुझे क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, तो अब हम चलते हैं आगे फ्लटर की तरफ, क्या ख्याल है? ठीक है, तो सही हो गया, सही है। तो भाई अब हमारे पास जो है वो आईफोन यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, ये हमने सिम्युलेटर ऑन कर लिया है। अच्छा, अब हमने करना बेसिकली क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पास एक शॉपिंग लिस्ट की एप्लीकेशन रखी हुई है लोकल पे, मैं इसको टर्मिनेट कर देता हूँ, मैं वापस चला गया। आप लोगों ने एप्लीकेशन तो बनाना अलहमदिल्ला तक सीख ही ली है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम इस लोकल होस्ट को एक्सेस करें तो क्या आएगा। ठीक है, अच्छा अब लोकल होस्ट को अगर मैं एक्सेस कर रहा हूँ, देखिए मेरे पास यहाँ पे ये आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है, जिसके अंदर मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज आ रही हैं। ठीक है, और इन प्रॉपर्टीज को यूज़ करके मैं अपने फ्लटर की ऐप में डेटा को बाइंड करा सकता। अब मैंने लोकल होस्ट की जगह सबसे पहला काम ये किया है कि आईपी लगा दी है। ये आईपी क्या है? अच्छा, ये लाइव सर्वर की आईपी नहीं है, ये है मेरी मशीन की आईपी। मशीन की आईपी आपको आईपी कॉन्फ़िग से मिल जाएगी अगर आप विंडोज़ के अंदर हैं। ठीक है, और यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन से, ऐसे आपको विंडोज़ की नेटवर्क प्रॉपर्टीज के अंदर भी आईपी दिख जाती है। ठीक है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं, मैक में है तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, मसले वाली बात। ठीक है, तो आप ये आईपी कॉपी कर लेंगे, ये आपकी मशीन की लोकल आईपी। अब क्या करेंगे, एक टेस्ट करने के लिए हम ये करते हैं, हम ये पूरा यूआरएल आपकी आईपी कॉलन 5000 कॉपी करते हैं और सिम्युलेटर की सफारी में जाते हैं और इसको एग्जीक्यूट, मैंने पहले ही एग्जीक्यूट किया हुआ है, दोबारा कर देता हूँ सबूत के लिए। ठीक है, तो ये देखें आप, ये जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सर्विस जो है यहाँ कॉल हो गई है, यानी कि हमारा जो लोकल होस्ट का एनपीएम चल रहा है वो हमारा कनेक्ट हो गया है अब हमारे आईओएस के सिम्युलेटर के साथ। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि हम अपनी ऐप में कॉल करेंगे तो भी कॉल हो जाएगा क्योंकि हम सिम्युलेटर के अंदर एक्सेस कर पा रहे हैं। तो अब हम इसको कराते हैं रन, मैं इसको क्विट कर देता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी एक सेशन शायद चल रहा था इसका, यस चल रहा, तो मैं इसको क्विट ही कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, और इसको रन कराते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल फ्रेश क्रिएट की हुई एप्लीकेशन है फ्लटर की, जिसके अंदर जो बाय डिफॉल्ट चीज़ें हमारे पास आती हैं वहीं पर रखी हुई हैं। फिलहाल हम इसको रिमूव कर देंगे और फिर इसके ऊपर एक लिस्ट बाइंड कराते हैं। ठीक है, अच्छा लिस्ट बाइंड कराने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, फ्लटर तो आप लोग देख ही चुके हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में आगे ले आता हूँ। अच्छा, इससे रिलेटेड भी आप लोगों के अगर कोई सवाल हो तो आप लोग जो है मुझे बता दीजिएगा। अच्छा डीओ, अच्छा आप लोगों ने शायद HTTP पैकेज के ऊपर काम किया हुआ है ऑलरेडी, जो कि हमारे पास बिल्ट इन डार्ट के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा फ्लेवर चेंज करने के लिए और एक आप लोगों को जो मैप प्रैक्टिस यूज करता हूँ प्रोडक्शन एप्लीकेशंस में वो दिखाने के लिए मैं आज आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिस करवाऊंगा डीओ के साथ। ठीक है, अच्छा डीओ के अलावा और भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, ये रेट्रोफिट भी अवेलेबल है, बट मैं उसकी डीप डाइव में नहीं जाऊंगा कि दोनों में कंपैरिजन में डिफरेंस क्या है, तो मैं फिलहाल डीओ पे आता हूँ। तो रेट्रोफिट के पीछे भी जो पैकेज है वो डीओ ही है, एंड्रॉयड वाला नहीं, फ्लटर वाला जो रेट्रोफिट है उसके पीछे डीओ ही काम कर रहा है, एंड्रॉयड वाला जो है वो तो ऑब्वियसली प्योर बना हुआ है, तो उसमें तो खैर ये वाले सिनेरियो अप्लाई नहीं हो, क्योंकि ऐसा ना हो कोई एंड्रॉयड डेवलपर हो बोले डीओ कहाँ से आ गया, एंड्रॉयड मिक्स नहीं करना। सही है, तो यहाँ पे हम आते हैं। अच्छा डीओ हमने इंस्टॉल करना है ये एप्लीकेशन के अंदर, सही, सबसे पहला काम किया। अच्छा डीओ करता क्या है, डीओ आपको जो है वो थोड़े से हैंडी फीचर्स प्रोवाइड करता है, थोड़ा सा अगर हम नीचे आके देखें तो रिक्वेस्ट करना काफ़ी आसान है इसके अंदर एज कम्पेयर टू HTTP, और दूसरा ये कि आप इसके अंदर रिक्वेस्ट बिल्डर बेसिकली बना सकते हैं। इसका एक बेसिकली बिल्डर होता है जिसके अंदर आप अपनी सारी कॉन्फ़िगरेशन पहले से सेट कर देंगे, बेस यूआरएल वगैरह, और फिर आप अपनी API को कॉल करेंगे तो आपको सिंपली इस तरह कॉल करना होगा, आप एंड पॉइंट देंगे कॉल हो जाएगी, तो आपको मतलब वो पूरी लंबी कहानी दोबारा नहीं करनी कि आप पूरा यूआरएल दोबारा दोबारा दें, सही है, या आप उसको कहीं फाइल में सेव करके रखें और फिर दें, तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं। जिस तरह आप अगर जावास्क्रिप्ट में देखें तो एक्सियोस आपके पास अवेलेबल है, ये काम करता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपके पास यहाँ पर डीओ है, डीओ और एक्सियोस तकरीबन सेम ही है। ठीक है, अगर आप स्ट्रक्चर वाइज देखें, लैंग्वेज वाइज नहीं ऑब्वियसली, स्ट्रक्चर वाइज, तो अब हम यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं और हम इसको पब स्पेक में डालते हैं। ठीक है, तो मेरे को एप्लीकेशन दोबारा स्टॉप ही करनी पड़ेगी वैसे। अच्छा, ये इसलिए क्योंकि जब भी आप अपनी पब स्पेक चेंज करते हैं ना, तो जनरली यही अच्छी रिकमेंडेशन होती है कि आप अपने ऐप को रिस्टार्ट कर लें, क्योंकि अगर कोई नेटिव डिपेंडेंसी उस प्लगइन के अंदर होगी
तो वो आपकी ऐप में प्रॉपरली इंजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि नेटिव कोड रीलोड नहीं हो सकता। तो ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है? नेटिव कोड कभी भी रीलोड नहीं होता, वो रीबिल्ड होता है हमेशा। ओके, मैं यैमल को तो रन कराना ही नहीं चाहता बिल्कुल, मैं डार्ट रन कराना चाहता हूँ। तो आप जो फाइल खोल रहे हैं उसी के ऊपर वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन कर रहा था, मैं उसको सेलेक्ट कर लेता ताकि ये स्टैटिक हो जाए। सही है, तो अब ये कॉन्फ़िगर हो गया। अच्छा, डीओ हमने इंस्टॉल कर लिया। अच्छा, डीओ इंस्टॉल करने के बाद एक मसला और आता है, जो मैं आपको पहले से बता दूं, जो कि आने वाला है आगे जाके। वो मसला ये है कि अगर हम इस यूआरएल को देखें, तो ये हमारा है लोकल होस्ट का यूआरएल, तो ये एचटीटीपीएस तो नहीं होने वाला। मैंने लगा के देख लिया आपके सामने, ये है एचटीटीपी, ठीक है? अच्छा, आप दोनों में फ़र्क तो आपको ऑलरेडी शायद समझ आ गया होगा, बट मसला यहाँ पे ये है कि अगर हम iOS के अंदर HTTP URLs एक्सेस करते हैं डायरेक्टली अपनी ऐप के अंदर से, तो वो अलाउ नहीं होते बाय डिफॉल्ट, ठीक है? तो आपको अपने iOS की ऐप को अलाउ करना पड़ेगा पहले कि वो HTTP कनेक्शंस एक्सेप्ट करे। तो अब होगा ये, क्या लिखेंगे? iOS अलाउ HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है? तो ये आपको क्लियर टेक्स्ट की कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी। क्लियर टेक्स्ट की कॉन्फ़िगरेशन नहायत सिंपल होती है। आपने सिंपली करना ये है कि आपने ये कॉपी कर लेना। अच्छा, ये आप डोमेन स्पेसिफाई भी कर सकते हैं जैसे ये भाई ने की हुई है, लेकिन ये लंबी कहानी करने की हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है। हम शॉर्टकट करते हैं क्योंकि हम शॉर्टकट में बिलीव करते हैं। सही है, तो हम यहाँ पे आते हैं और इसके अंदर हम iOS का फोल्डर खोलते हैं और इन्फो डॉट पी लिस्ट खोलते हैं, ठीक है? अच्छा, यहाँ से भी आप कर सकते हैं सादा खुशबू तरीके से, वरना अगर आपको जो है थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से करना है, तो आप ओपन कर सकते हैं अपनी एक्सपोर्ट की फाइल को iOS/XCW, ठीक है? अच्छा, आपको पूरा एक्सी वर्क स्पेस लिखना पड़ेगा, ये स्पेशल एक्सी सिस्टम के अंदर है, इसलिए आपको XCW से ही बात दिखा रहा है। तो आपकी ये बेसिकली फाइल है iOS के फोल्डर के अंदर, आपको दिखा भी देता हूँ, सुना आप बोलने के यार फाइल नहीं दिखाई, फाइल दिखा, ये देखें, ये सही है, ये फाइल है, ये फोल्डर नहीं है, ये वी एस कोड इसलिए फोल्डर दिखा रहे हो कि ये एक्चुअली फोल्डर ही है, बट मैं इसको फाइल एज्यूम करता हूँ। सही है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड बात थी मगर आप समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पर हम नीचे आते हैं इन्फो डॉट पी लिस्ट में। तो यहाँ पे हमारी कुछ कॉन्फ़िगरेशन होती है iOS की ऐप की, जो कि आप लोगों को शायद ऑलरेडी पता हो या ना भी पता हो, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। इस तरह हमारे पास एंड्रॉयड की मैनिफेस्ट फाइल होती है या बिल्ड डॉट ग्रेडल, आप समझ सकते हैं उस तरीके से कुछ कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ मैंशन करते हैं इसकी। तो ये ज़्यादा अच्छी एग्जाम्पल बिल्ड डॉट ग्रेडल की रहेगी, मैनिफेस्ट मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाह रहा, ठीक है? क्योंकि उसका थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो हम इसको ओपन एज सोर्स कोड करते हैं, ठीक है? क्योंकि हमें एग्जाम्पल का कोड मिला है, तो अब अगर हम उसको यहाँ पे यूआई में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो मॉड्स अवेलेबल होते हैं आपके पास। अच्छा, ये एक मसला है कि एक्सपोर्ट आपको सिर्फ मैक में ही मिलेगा, तो अगर आपके पास विंडोज है तो आपको फिर इन्फो डॉट पी लिस्ट भाई वी एस कोड से ही मजबूरी में एडिट करनी पड़ेगी। बल्कि आप अगर एडिट ना भी करें तो मसला नहीं कि iOS तो आप रन करवा नहीं सकते। सही है, तो नीचे आते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं, ठीक है? मैं iOS पे इसलिए करा के दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आप लोगों को ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार हम ये चीज़ें अगर iOS पे भी स्टार्ट करें तो कोई ऐसी खास मसले वाली बात नहीं है, ठीक है? तो हम इसको करते हैं कोलैप्स। कोलैप्स या आप लोग एप्लीकेशन बहुत बार देख ही चुके होंगे काउंटर वाली, तो मैं इसके ऊपर कुछ खास एक्सप्लेन नहीं करने वाला, और मैं जो हूँ इसको पूरा डिलीट ही कर देता हूँ, बल्कि मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी असल में ये आदत है डिलीट करने की ना, बड़ी ख़राब। अच्छा, यहाँ पे हम आते हैं एल आई बी के अंदर, न्यू फाइल बनाते हैं ऐप डॉट डार्ट, ठीक है? और इस ऐप डॉट डार्ट के अंदर हम स्टेटलेस बना लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं माई ऐप, और स्टेटलेस हमें ऑब्वियसली इम्पोर्ट करना पड़ेगा मटेरियल से, हम उठा लेते हैं इसको, ठीक है? कंस्ट्रक्टर रिमूव कर देते हैं, फिलहाल हमें इतनी खास ज़रूरत नहीं है कंस्ट्रक्टर की, और माई ऐप को हम यहाँ पे इम्पोर्ट कर देते हैं। सही हो गया, ये हमारा काम बड़ा अच्छे तरीके से हो गया। वैसे हमारा काम अच्छे तरीके से नहीं हुआ है, क्योंकि हमने जो है अभी यहाँ पे कोई मटेरियल ऐप वगैरह कॉन्फ़िगर नहीं की। तो हम यहाँ पे मटेरियल राइट करते हैं, होम राइट करते हैं। मेरा जो जनरली सिनेरियो होता है, यानी कि जो मेरी जनरल प्रैक्टिस होती है, वो यही होती है कि मैं प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर रखूँ, तो मैं यहाँ पे यही करने वाला हूँ डॉट डॉट, ठीक है? और ठीक हो गया, इसमें भी मुझे कोई खास इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत नहीं है। मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, कंटेनर आ गया, कंटेनर की जगह हम डाल देते हैं
हमारे स्कैफोल्ड भाई साहब, ठीक है, एप बार डालते हैं, एप बार के अंदर एप बार लिख देते हैं, एप बार आप लोगों को शायद पता होगा ऑलरेडी, और इसके अंदर हम लोग टेक्स्ट लिख देते हैं होम पेज इज हियर, सही है, और इसको हम एक्सेस कर लेते हैं यहाँ पर, परफेक्ट हो गया, क्या कह रहे हैं, रिलोड कर लें एप्लीकेशन, नाराज़ हो गई एप्लीकेशन, सही, तो ये तो मसले मसाइल हो जाते हैं, नाराज़ नहीं करना है अपने एप्लीकेशन, सही। अब हम लोग आते हैं एपीआई इंटीग्रेशन के ऊपर, बातें तो हमने कर ली, सही है। अच्छा, अब हम लोग एक बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारा एक फोल्डर होता है सर्विसेज का, ये फाइल डॉट, ठीक है, सही हो। अब हम यहाँ पे बनाते हैं क्लास, ठीक है, एपीआई सर्विस, अच्छा जी, मैं जरा देख लूँ कोई क्वेश्चन वेश्चन तो नहीं आया, ये वर्सेस वाली कहानी में फिलहाल नहीं करने वाला है आप, ठीक है, ये कॉन्ट्रीब्यूशन क्वेश्चंस जो कर रहे हैं आप लोग, ये हम एक अलग वीडियो में, एक अलग सिनेरियो में जो है वो कर लेंगे टैकल, तो हम लोग जो है वो फिलहाल ये नहीं करने, ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं एपीआई सर्विस के ऊपर, एपीआई सर्विस में हम करते हैं यहाँ पे डीओ, ठीक है, अच्छा हम इसको रख लेते हैं, स्टैटिक रख लेते हैं फिलहाल, ठीक है, डीओ, ठीक है, और इसको हम रख लेते हैं तरीके से, आप कह सकते हैं क्लाइंट रख, ठीक है, हम इसको रखते हैं स्टैटिक, और बल्कि हम इसका कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम इसका कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम डिफाइन कर देते हैं कि भाई क्लाइंट इक्वल्स टू, कि हम जब भी इसका जो है वो इंस्टेंस बनाएंगे, हम यहाँ पे सिंपल ये चेक करा लेंगे कि इफ क्लाइंट इज नॉट इक्वल्स टू नल, तो फिर हम लोग क्लाइंट के अंदर दे देंगे डी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना देखें, ये जो डीओ होता है ना हमारा, ये बहुत सारे ऑप्शन एक्सेप्ट करता है, सही है। देखें हमारे पास यहाँ पे बेस ऑप्शंस का एक जो है ना अवेलेबल पैराम है, तो हम जरा बेस ऑप्शन यहाँ कॉन्फिगर कर लें, क्या ख्याल है, ठीक है, तो हम बेस यूआरएल डालते हैं। अच्छा, मैं इस तरह से आपको कॉन्फिगर करना इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप कल को अगर कॉन्फिगर करेंगे रियल प्रोडक्शन एप्लीकेशन में तो आपको बड़ी आसानी होने वाली, सही है। तो हम ये देखें, बेस यूआरएल तो हमारे पास फिलहाल कोई खास है नहीं, बट यही यूआरएल है हमारा, सही है, तो हम लोग इसी को यूज़ कर लेते हैं फिलहाल, ये हमने कर लिया। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, देखिए इससे फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि अगर हम कभी भी जो है डीओ के ऊपर, इसके किसी क्लाइंट के ऊपर पोस्ट गेट कोई भी मेथड एचटीटीपी का कॉल करेंगे, तो हमें बार बार यूआरएल देने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा बेस यूआरएल हो गया सेट, सही है। अब हम यहाँ पे बनाएंगे सिंपल एक मेथड, इसको हम बोलेंगे फ्यूचर, ठीक है, इसके अंदर हम फिलहाल डायनेमिक दे देते हैं इसका चुप कराने के लिए इसको, ठीक है, और यहाँ पे दे देते हैं गेट शॉपिंग लिस्ट डेटा, ठीक है, और इसके अंदर हम एसिंक लगा देते हैं, क्या ख्याल है आप, अच्छा, एसिंक लगाने के बाद हम करते ये हैं कि हम ट्राई लगाते हैं, यहाँ पे कैच देते हैं, कोई खास फिलहाल यहाँ पे काम नहीं करना, अगर हम ट्राई कैच बाहर भी लिखते हैं तो कोई मसले वाली बात, तो हम यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न, ठीक है, और हमें लिखना है क्लाइंट डॉट पोस्ट, नहीं सॉरी गेट, ठीक है, अच्छा गेट में बाद हमारा फिलहाल कोई भी नहीं होने वाला, रिक्वायर्ड पैरा में आपको एम्प्टी स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा फिलहाल यहाँ पे, तो आपका रिक्वेस्ट यहाँ पे आ जाएगी, बट अब सबसे बड़ा मसला जो हमारे साथ होने वाला है यहाँ पे, वो ये होने वाला है कि हमें मिलेगा रिस्पांस यहाँ से, ठीक है, ठीक है, हमें क्या मिल रहा है यहाँ से, फ्यूचर में रिस्पांस एक टाइप का, ठीक है, अब वो टाइप जो भी हो, सही है, तो अब हम आते हैं और इसके ऊपर लगाते हैं अवेट, ठीक है, अच्छा, अब इससे होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि कम से कम हमें रिस्पांस तो मिल जाएगा,
तो अगर हम यहाँ पे इसको ज़रा एक्सिक्यूट करें, इसको यहाँ से हम यहाँ मूव कर देते हैं, वार रिस्पॉन्स का एक वेरिएबल अलग से रख देते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए सिनेरियो आप लोगों को ना। तो रिस्पॉन्स के अंदर एक होता है डेटा। अब डेटा जो भाई साहब हैं इनके अंदर पूरी HTTP की आपकी जो बॉडी होती है वो अवेलेबल होती है। बॉडी क्या होती है भाई? सही है, बॉडी होती है हमारी ये जो आप देख रहे हैं ना कंटेंट स्क्रीन के ऊपर, ये सारी HTTP की बॉडी होती है हमारी, ठीक है, जिसमें हम हमारा सारा जो रिस्पॉन्स होता है वो कंटेन होता है। अब पहली चीज़ तो ये कि भाई इस बॉडी का मॉडल अगर हमने बनाना है तो हम कैसे बनाएं? ठीक है, मॉडल तो बनाना है भाई, हमने मॉडल के बारे में तो हम काम ही नहीं करते। सही है, तो अब हम इसको बनाते हैं। तो अब इसको बनाने के लिए हमें करना ये है कि हम इस जेसन ऑब्जेक्ट को करते हैं कॉपी। ठीक है, मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ उसको मॉडल में कन्वर्ट करने। तो आपने इसको कॉपी किया, सही है, लंबा तरीका तो आप जानते हैं ऑलरेडी। तो हम जेसन टू डार्ट करते हैं और ये भाई साहब ने जो टूल बनाया हुआ है ना इसके अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं। सही है, बगैर सोचे समझे पेस्ट कर, नहीं सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने एरे का सिंटेक्स नहीं पेस्ट कर दिया तो मसला हो जाएगा। तो हम इसका कर देते हैं लिस्ट आइटम रिस्पॉन्स, और देखें ये हमारी अच्छी सी क्लास जनरेट हो। सही है, अच्छा, अब इस क्लास के अंदर बड़ी चीज सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, फ्रॉम जेसन टू जेसन, ये आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया होगा, अंदाज़ा होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें तो ऑलरेडी मॉडल क्लास में होती हैं। ठीक है, ये आपका फ्रॉम जेसन जो होता है ये होता है जब आपके पास HTTP से रिस्पॉन्स आता है तो आप कैसे ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करेंगे, टू जेसन जब आप वहाँ पर डेटा सेंड करेंगे तो कैसे कंस्ट्रक्ट होगा। सही है, तो हम यहाँ पे कॉपी टू क्लिपबोर्ड का बटन दबाते हैं और हम यहाँ आ जाते हैं अंदर जल्दी से, और यहाँ बनाते हैं न्यू फोल्डर मॉडल्स के नाम से। सही है, इसके अंदर एक न्यू फाइल बनाते हैं, जगह फाइल यहाँ पे हम लिखते हैं लिस्ट आइटम रिस्पॉन्स डॉट डॉट, ये काम हो गया। सही है, ये हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, इसमें कोई एरर तो जनरेट होने वाली चीज़ ही नहीं है, क्या जनरेट हो। तो अब हम आते हैं यहाँ पे और हम इसको बोलते हैं भाई अब डायनेमिक नहीं होने वाला, अब आपने यहाँ पे देना है लिस्ट आइटम रिस्पॉन्स। सही है, फुल जो है ना आपने इसको स्ट्रिक्ट टाइप देनी है, यहाँ वाना भागी लिस्ट आइटम रिस्पॉन्स डॉट फ्रॉम जेसन टाइप देते, इसके अंदर आपने रिस्पॉन्स डॉट डेटा पास कर, रिस्पॉन्स डॉट डेटा में मैंने आपको पता है HTTP की बॉडी है, बॉडी में क्या होगा, बॉडी में होगी एरिया। ठीक है, अच्छा अब देखें मैं आपको एक बार मतलब यहाँ समझाता हूँ, हमने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया हुआ है कि एरे नहीं होगी भाई, माफ़ है, सही है, यहाँ पे होगा जेसन का ऑब्जेक्ट, तो भाई ये तो गंदी बात कर दी हमने बड़ी ना। अब हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ देखते हैं कि भाई क्या मसला होने वाला है। मसला ये होने वाला है कि जब HTTP रिस्पॉन्स करेगा तो आएगी एरे, अब वो बोलेगा भाई तुमने मुझे एक बंदे का कहा था तुम 10 बंदे ले आए, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब वो 10 बंदे कैसे हैंडल होंगे मैं आपको समझा। सही है, 10 बंदों की हैंड है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, सही है, एक हम बनाते हैं यहाँ पे स्टैटिक, ठीक है, इसको हम बोलते हैं भाई मैं आपको दूंगा एक लिस्ट रिटर्न में। सही है, अभी आप लोगों ने सवाल नहीं करना है, अभी आपने सिर्फ देखना है, सवाल इसके बाद करिए। सही है, यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम जेसन लिस्ट, ठीक है, अच्छा अब हम इसके अंदर क्या देंगे, बड़ा अच्छा सवाल है, हम इसके अंदर देंगे एक लिस्ट मैप स्ट्रिंग डायनेमिक। आप बोलेंगे भाई ये क्या बात हुई, अजीब सी बात कर दी। सही है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अजीब सी बात क्यों हुई। लिस्ट का क्या मतलब होता है, जब भी आप डार्ट में देखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट तो इसका मतलब है वहां पे क्या है, लिस्ट। सही है, अच्छा तो ये तो हो गई हमारी लिस्ट। अब हमने लिस्ट के अंदर ये क्यों दिया मैप स्ट्रिंग डायनेमिक, ये इसलिए दिया क्योंकि अगर आप लिस्ट के अंदर पहला ऑब्जेक्ट देखें तो उसकी की क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू, तो ऑब्वियसली जो आपका दिल करे आप असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इंटीजर भी देखने को मिल रहा है हमें, यहाँ पे ऊपर स्ट्रिंग भी है माशाल्लाह से। सही है, तो हमारे पास बहुत ही डाइवर्सिफाइड टाइप्स अवेलेबल। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम इसको बोल रहे हैं भाई एक ऐसी लिस्ट होगी आपके पास जिसमें इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स होंगे माशाल्लाह से। सही, अब हम यहाँ पे नीचे आते हैं और हम यहाँ थोड़ी पार्सिंग का मैकेनिज्म हैंडल कर लेते हैं। तो हम इसको बोलते हैं मेरे भाई आप आ जाओ, मतलब बुलाना नहीं है इसको लेकिन लेते हैं। सही है, तो हम इसको बोलते हैं आइटम निकालो एक इन जेसन
और इसके नीचे हम आएंगे अगर, तो हमारे पास क्या होगा, अब हम यहाँ पे ऊपर एक बनाएंगे वार, वार नहीं लिखते, टाइप देना पड़ेगी, क्योंकि अगर हम टाइप नहीं देंगे तो वो इन्फर कर लेगा, इन्फर कर लेगा तो बड़ा मसला होगा। पे देते हैं आइटम्स और इसको एम्प्टी एरे असाइन कर ताकि ये नल ना दे। सही है, नल से जो है ना हमें बहुत नफरत होनी चाहिए। हम यहाँ पे लिखते हैं ऐड। अच्छा अब देखें, ऐड में आपको एक खास चीज़ बता, हमने फ्रॉम जेसन ऑलरेडी बनाया हुआ था तो हमें मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट आइटम रिस्पॉन्स डॉट फ्रॉम जेसन। अब आपके पास पर आइटम की जो जेसन आ रही है इस आइटम के अंदर, ये आपने उठा के इसको असाइन कर देंगे। सिंपल, आपके सारे आइटम्स बाइंड हो गए। अब आपने जो वादा किया था इससे कि मैं आपको एक लिस्ट बना के दूंगा, वो आपने देनी है, वरना तो मसला हो जाएगा। सही है, फिर कंपाइलर आपके घर पहुंच जाएगा। तो अब आप इसको सेव करें और आप इसको करा दे रन। सही है, यहाँ तक हमारी बाइंडिंग तो कंप्लीट हो गई है। अब हम आते हैं एपीआई सर्विस की क्लास के ऊपर। सर्विस क्लास में हम इसको बोलते हैं भाई फ्रॉम जेसन लिस्ट। देखें बिल्कुल सेम सिंटेक्स रहा है हमारा, माशाल्लाह से कोई चेंज नहीं करते हम। सही है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं अब कि मैं आपको रिस्पॉन्स में दूंगा भाई एक लिस्ट, लिस्ट आइटम रिस्पॉन्स की, क्या ख्याल है, बन जाएगा ना। सही है, तो यहाँ पे फ्रॉम जेसन के अंदर आप देख रहे हैं हमने बोला था मैं आपको ये दूंगा, और यहाँ हमने फ्यूचर इसलिए दिया क्योंकि हमने यहाँ पे ऊपर लगा दिया अवेट। अगर हम अवेट नहीं लगाते तो हम सादा खुशबू रिस्पॉन्स यहाँ से निकाल सकते थे, मगर अभी हमने इस तरह बिल्कुल नहीं करना क्योंकि हमने ऊपर अवेट लगा दिया। अवेट लगाने का मतलब है कि भाई रिस्पॉन्स फ़ौरन नहीं आने वाला, आपको रन टाइम को रोकना पड़ेगा कि भाई रुको, सब्र करो। सही है, वो वाली कहानी। तो अब यहाँ पे हम आते हैं और रिस्पॉन्स बाइंड होने के बाद हम इसको करते हैं एग्जीक्यूट अपनी मेन फाइल में। ठीक है, तो हम एक अच्छा सा लिस्ट व्यू बना लेते हैं, तो बड़ी आराम से बन जाता है वो तो इसमें ना, फ्लटर के अंदर भी अच्छी। तो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लिस्ट व्यू, माफ करें, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। सही है, और आइटम काउंट दे देते हैं इसके अंदर। फिलहाल तो हम इसको एक जाली आइटम काउंट असाइन कर देते हैं 10। ठीक है, और आइटम बिल्डर के अंदर हम इसको चाइल्ड कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स पास करा देते हैं, जो कि ऑब्वियसली दो पैरम्स इंजेक्टेड हैं इस मेथड के अंदर। सही है, अच्छा अब यहाँ पे हम इसको बोलते हैं भाई लिस्ट आइटम टाइल, सॉरी टाइल, टाइल का आइटम तो क्लास है। सही है, तो लिस्ट टाइल जो है वो विजेट है हमारे पास, जो हमारे लिस्ट के पर आइटम का व्यू आराम से बन सकता है किसी चेंजेस के बगैर। सही है, तो हम इसको बोल सकते हैं भाई टेक्स्ट और हेलो वर्ल्ड आइटम। देखिए हमारे पास माशाल्लाह से 10 आइटम हाथ के हाथ बन गए। अब हम आते हैं एपीआई कॉल करने में। अच्छा अब एपीआई कॉल करने से पहले एक मसला है, आपने इसको बोल दिया भाई स्टेटलेस है ये, तो अब स्टेटलेस बेचारा कैसे स्टेट अपडेट करेगा, तो अब हम उसको स्टेटफुल करेंगे। सही है, इसका शॉर्टकट तरीका ये है, आप स्टेटलेस के ऊपर आएँ, ऑल्ट एंटर प्रेस करें और आपको नीचे छोटा सा पुंदरू दिख जाएगा कन्वर्ट टू स्टेटफुल, आप इसको क्लिक कर दें और आपका स्टेटफुल बन गया। वैसे आप इसको मैनुअली बना सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। ठीक है, तो आप इसको सेव कर लें और हाँ बस होने वाला। अच्छा सही है, अब हम यहाँ पे लगाते हैं void get data। ठीक है, अच्छा आप यहाँ पे फ्यूचर बिल्डर भी लगा सकते हैं, तो मैं आपको दोनों तरीके से इसको करके दिखा दूँ। पहले मैं आपको बेसिकली फ्यूचर बिल्डर से ही दिखाता हूँ ताकि आप जाए कि ये कैसे। ठीक है, तो हम लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर के ऊपर आते हैं और एक लगाते हैं विजेट, इस विजेट का नाम है फ्यूचर बिल्डर। सही है, जो आपका फ्यूचर बना के देगा, आपका फ्यूचर नहीं मतलब ऐप का फ्यूचर। सही है, तो अब हम यहाँ पे आते हैं बिल्डर और यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें मिलेंगी माशाल्लाह से। सही है, अब हम बिल्डर को ज़रा देखते हैं, तो बिल्डर भाई क्या बोलते हैं हमें। सही है, बिल्डर भाई का क्या कहना है ज़रा हम देख लें। आप बिल्डर को देखें, देखने का तरीका क्या है, आपने इसको लिखा बिल्डर को, ठीक है, और आप इसके ऊपर कंट्रोल या कमांड दबा के रखें तो आपको दिख जाएगा क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है भाई मैं आपको दो चीज़ें दूंगा, एक बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, एक आपका स्नैपशॉट। अब स्नैपशॉट क्या है, सही है, स्नैपशॉट को देख लेते हैं। अगर आप फायरबेस के साथ काम कर चुके हैं तो आपको फायरबेस के स्नैपशॉट का आइडिया होगा, लेकिन अगर नहीं भी कर चुके हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं, हम समझ लेते। तो
तो चाइल्ड कॉन्टेक्स्ट हमें यहाँ मिल गया, वो हमने बेहतरीन लगा दिया। अब हमें मिलेगा स्नैप, स्नैप हम यहाँ से उठा लेते हैं सेकंड पैरम। अच्छा नाम आप पैरम का कुछ भी रख सकते हैं, अपना नाम भी रख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अच्छी बात नहीं है अपना नाम रखना। तो इसलिए ये रखिएगा कि जो आपसे कॉन्टेक्स्ट में हो वही वेरिएबल का नाम। अब हम यहाँ पर आते हैं और इसको बोलते हैं भाई एक मसला है। मसला क्या है, स्नैप डॉट, इसको हम बोलते हैं भाई कनेक्शन स्टेट चेक करने। कनेक्शन स्टेट अगर हमारी होती है कनेक्शन स्टेट डॉट वेटिंग, तो इसका मतलब कि हमारी प्रोग्रेस अभी चल रही है, अभी कॉल नहीं हुई है। तो हम इसको क्या बोलेंगे भाई, वेटिंग पे है तो सेंटर लो, उसके अंदर एक चाइल्ड लो और उसके अंदर सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर ले लो। सही है, इतना बड़ा नाम इसका उन्होंने दिया है, लेकिन ये काम सिर्फ छोटा सा करता है कि आपको एक लोडिंग इंडिकेटर दिखा दे। ठीक है, तो जब तक हमारी एपीआई कॉल नहीं होती जब तक हम खुशनूदी के साथ इसकी शक्ल देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे आते हैं लिस्ट, और इसके अंदर हम देते हैं लिस्ट आइटम रिस्पॉन्स, ये हमें फ्यूचर में मिलेगा जो हम इसको बोल रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको देंगे एक फ्यूचर API सर्विस डॉट गेट शॉपिंग लिस्ट डेटा। देखें बेहतरीन फिट हो गया है, सही है, क्योंकि इसकी टाइप मैच कर रही है इसलिए ये आराम से बात कर रहा है, नहीं बहुत बदतमीजी कर, सही है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं और इसके अंदर हम लिखते हैं स्नैप डॉट डेटा। डेटा में आपके ऑब्वियसली आइटम्स हैं क्योंकि उसने ऑब्वियसली जेनरिक तरीके से आपको नीचे पास ऑन कर दिए। सिंपल आप ये हेलो वर्ल्ड हटाएं, ठीक है, इसको आप बोलें स्नैप डॉट डेटा और इसके अंदर आपका इंडेक्स और उसके अंदर आपका जो आइटम की प्रॉपर्टी है डॉट टाइटल, क्योंकि वो आपकी मॉडल क्लास से आ रही है। जादू नहीं हो रहा है यहाँ पे, सही है, आपने ये देखना है कि हो क्या रहा है, इंटरनली क्या हो रहा है ये देखना है आप। तो इंटरनली ये हुआ है कि उसने आपकी लिस्ट को पार्स किया, फ्यूचर बिल्डर को दिया, फ्यूचर बिल्डर ने आपके इंडेक्स दिया, इंडेक्स से उठा के आपने नीचे उसको बाइंड कर दिया, सिंपल, सही है। तो ये हमारा अच्छा सा जो हमने काम लिखा है, हम इसको सेव करा के देखें, बातें चलता भी है नहीं चलता, सही। तो अब इसको चलाते हैं, सेव क्यों नहीं भाई, सेव है, ठीक है, एरर आ गया भाई, अल्लाह बैड इनसिक्योर HTTP इज नॉट अलाउड बाय प्लेटफॉर्म। हमने info.pdf में चेक चेंज करने के बाद ऐप दोबारा रन नहीं कराई थी, तो देखिए मेरा पॉइंट प्रूव हो गया कि नेटिव को रीलोड नहीं होता, ठीक है, पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए ना, एरर तो आ गया अब उसका तो कुछ कर नहीं सकते। क्या बोल रहे हैं भाई, अच्छा भाई नाराज हो गया ये, सही है, नाराज हो जाता है ये बड़ा मसला है। डार्ट एंड फिल्टर कॉन्फ़िगरेशन उठा लो भाई, ए मेरे भाई प्रो मैक्स सेलेक्ट करो और रन करा दो, कॉन्फ़िग नहीं मिल रही इसमें, क्या हो गया। ओके हम इसको क्विट करके दोबारा खोल लेते हैं, मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा जो है वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया, इसको दोबारा से रन करा लेते हैं, आईफोन सेलेक्ट कर दें, कोई मसले वाली बात नहीं है, इस तरह तो होता है इस तरह के काम। और ये हम जो है सिमुलेटर स्टार्ट करा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी डिवाइस सेलेक्ट हो गई और ये हमने रन का बटन दबा दिया और बेहतरीन चल गया। सही है, अब ये बिल्ड हो जाए ज़रा देखना है बड़े ध्यान से, सही है। अच्छा नाराज ये इसलिए हो गया, ये बोल रहा है यार आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे जो है वो मैप डायनेमिक दोगे, लेकिन आपने तो मुझे डायनेमिक असाइन कर दिया। ठीक है, तो नाराज नहीं करते इसको, इसको हम बोलते हैं कि भाई आप डायनेमिक ले लो। ठीक है, अब हम इसको बोलते हैं कि मैप स्प्रिंग डायनेमिक ले लो आप, ये देखें आपका रिस्पॉन्स बाइंड हो, सही है। तो आपके तीन आइटम्स थे अल्हम्दुलिल्लाह सर्वर के ऊपर, वो तीनों के तीनों बिल्कुल खुशनूदी के साथ आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गए। ठीक है, अब आप यहाँ पे अगर इसको देखें, मैं इसको ज़रा कॉपी करके डालता हूँ आपके एज में, यहाँ भी जेसन का फॉर्मेट है, चलो कोई बात, तो खैर जो भी है ये कि आपके पास ये तीन ऑब्जेक्ट थे, ठीक है, तीन आइटम्स थे आपके,
ये देखें, पहले भाई, पहले जो है वो आइटम में जाफर भाई थे हमारे पास, दूसरे आइटम में यूसुफ भाई थे, और तीसरे आइटम में कौन था हमारे पास, अल्लाह माफ करे, देख लेते हैं नाम, सर अली थे, सही है। तो ये हो गया, सही है। तो तीनों आइटम हमारे पास आ गए। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है अगर आप सर्वर से बाइंड करना चाहते हैं डेटा फ्यूचर बिल्डर के साथ, ठीक है। फ्यूचर बिल्डर देखिए, आपने देखा किस तरीके से आप उसमें लोडिंग वाला काम भी कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा रीलोड करके दिखाता हूँ, ये देखिए। अच्छा, वो लोडर बेचारा आता है इतनी सी देर के लिए कि वो लोकल उस पे है ना, सर्वर पे होगा तो फिर दिखेगा। काम ना आपको लोडर दिखाने के लिए अवेट रहा, उसके बाद फिर हम जो है फाइनलाइज करते हैं, सही है। फ्यूचर डॉट डिलीट, ये हमारे पास एक प्रॉमिस डॉट वाला कुंदरू है, फंक्शन मतलब, और इसके अंदर हम ड्यूरेशन दे देते हैं, और इसके अंदर मिली सेकेंड्स के अंदर हम दे देते हैं 1000, ठीक है। हम 1 सेकेंड इसको बोलेंगे रुको, जरा सब्र करो, सही है। फिर उसके बाद हम इसको बोलेंगे कि भाई चलो, देखें इतना खूबसूरत एनिमेशन है, सही है। तो ये हमारा काम हो गया बड़ी आसानी से। तो ये सिंपल सा तरीका था। बाकी अब आप लोगों के कोई सवाल हैं तो आप लोग मुझे बता दें। क्लियर हो गया भाई, इतना अच्छा तरीके से क्लियर हुआ, आपने दो दिल भी बना दिए। कोई सवाल नहीं है तो हम इसको एंड की तरफ लेके जाते हैं। सर अली को मैं दोबारा से इनवाइट करूंगा कि वो इसको जो है एंडिंग की तरफ लेके जाएं। ओके जी। सो माशाल्लाह से इसहाक भाई ने बड़ी मेहनत से आप लोगों को सिखाया, समझाया। यकीनी तौर पे आप लोगों को वो चीज़ें समझ में, ये ऑब्वियसली दीज आर द थिंग्स विच आर बिट एडवांस थिंग्स। आप लोग कहीं ना कहीं शायद आप लोगों को इन चीज़ों को रिव्यू करने की ज़रूरत है, बट ऑब्वियसली दिस इज़ गोइंग टू बी मीनिंगफुल फॉर यू पीपल, ताकि आप लोग इसको बेहतर हैकाथॉन वगैरह सबके हवाले से मैं बताऊंगा, बट आई वुड लाइक बिलाल टू कम एंड टॉक टू यू पीपल कि जिसने बड़ी मेहनत से आप लोगों को सिखाया, और एक गुड बाय नोट जो है ना बिलाल की तरफ से हो जाए। आ जाए बिलाल। आज आप लोगों की आखिरी क्लास थी, सही है। तो उम्मीद है कि आज की क्लास भी क्लियर हुई होगी, और जो जो इश्यूज़ वगैरह हों वो सर से ही पूछिएगा, और मुझसे भी कांटेक्ट वगैरह कर सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक इन फ्यूचर, दैट्स इट। सही है सर। चले जी क्लास। अब बहुत इम्पोर्टेंट